ओके आ जाओ बाबू, चलो। ये मोल कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है, ओके ज्यादातर पार्ट में यूज होता है। ये मोल कंसेप्ट क्या है, पहले मोल को समझते हैं कि व्हाट इज मोल, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक चीज समझो, मोल को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे तुम सुने वन डजन, नाम सुने हो, वन डजन मीन्स 12 क्वांटिटीज, ओके दैट इज डजन मीन्स काउंटिंग नंबर, काउंटिंग यूनिट है ये, काउंटिंग यूनिट। वन डजन मीन्स 12, एक दर्जन में कितना होता है 12, दर्जन को डजन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ओके। उसी तरह जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे बोले मैं बोलूं वन डजन बनाना बताओ मतलब क्या, 12 बनाना, ये ना, दैट मीन्स डजन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, डजन रिप्रेजेंट अ काउंटिंग यूनिट, दैट मीन्स 12 यूनिट। मैंने किसी भी चीज का वन डजन, लोगे बोले वन डजन चप्पल, यानी क्या है वो चप्पल, 12 चप्पल है ना, वन डजन एग यानी 12 एग, मैंने वन डजन मीन्स होता है 12, 12 को ही वन डजन बोलते हैं। तो उसी तरह एक मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। पहली बात है मोल क्या है, काउंटिंग यूनिट है। जैसे नंबर होता है ना, जैसे एक सेंचुरी कितना को बोलते हैं, 100 को बोलते हैं, है ना, मैंने बोला एक सेंचुरी मार दिया, 100 हाफ सेंचुरी, 50 बोलते ना, बोलते हैं, तो सेंचुरी मीन्स 100, कोई भी चीज एक सेंचुरी बोल दोगे तो उसका 100 चीज को वो रिप्रेजेंट करेगा। काउंटिंग यूनिट है ये, एक तरह का काउंटिंग यूनिट, समझे, गिनने वाली संख्या है, एक तरह का काउंटिंग यूनिट है, ओके। मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। अब क्या है, मोल का यूज क्यों करते हैं, पहले याद रखना। देखो एक मोल में वन मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन एग्जैक्टली 6.022×10³, ओके 23 ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी चीज बोले, सब्सटेंस बोले, एनीथिंग बोले। मैं बोलूं कि एक मोल बनाना, मैं ऐसे बोल दूं एक मोल बनाना, ठीक है, ऐसे बोल दूं, इसका मीनिंग समझे। ये जो नंबर देख रहे हो, ये नंबर बहुत फेमस नंबर है, इस नंबर का नाम है 6.022×10³। इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इस नंबर का नाम क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ओके एवोगाड्रो नंबर, क्या नाम है आपको, सर ये नंबर कहाँ से आया, थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करते हैं, डोंट वरी। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, उसी तरह एक मोल में इतना होता है। इस नंबर को आप याद रखना, नंबर को 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा, जो पहली बार देख रहे हो 6.022×10³। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, हाँ, तो देखो यहाँ पर 022 है ना, तो कितने बच्चे याद करने के लिए इसको क्या करते हैं, 22 को 23 लिख देते हैं, यहाँ पर 23 है, अभी 23 है, याद आसपास है कि नहीं, तो याद करने के लिए यहाँ पर 6.022 के बदले 23 भी लिखा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जो होता है वो 22 ही लिखते हैं हम, ओके। तो 6.022 डेसिमल के बाद तीन प्लेस तक, तीन डिजिट है डेसिमल के बाद, 23 है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, क्या बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एक दर्जन में 12 होता है, उसे एक मोल में इतना होता है। अब एक मोल बनाना बोलोगे तो करना बोलोगे 6.022×10³, ओके बनाना, ओके। मैं बोलूं एक मोल, अच्छा इसको ये भी बोल सकते हो, जैसे ये एवोगाड्रो नंबर है ना, इस नंबर को हम लोग सिंपली एवोगाड्रो नंबर को NA लिख देते हैं, NA क्या लिख देते हैं, देखो A से एवोगाड्रो, N से नंबर, इसलिए एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। तो कभी कभी तुमको तुमको NA भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि NA सिंबल है, इसका वैल्यू 6.022, मैंने इसको एक मोल भी बोल सकते हो और एवोगाड्रो नंबर भी तुम कह सकते हो, लेकिन हम लोग टर्म करते हैं इसको एवोगाड्रो नंबर, वो आगे समझोगे तो ये याद रखना एवोगाड्रो नंबर। वैसे इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट कहा जाता है, बट कांस्टेंट में नंबर में फर्क है, थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा, बट इस नंबर को हम जनरली NA बोलेंगे। अब इतना बड़ा नंबर 6.022×10³ इन्हें बोलेंगे, अब NA बोल देंगे, NA समझ ना, वो उस नंबर का नाम NA है, NA1 मतलब एवोगाड्रो नंबर, क्या समझे मिस्टर, थोड़ा जग जाओ, सोए तो जग जाओ, तो एवोगाड्रो नंबर। अब मैं बोलूं, अब इस बात को तुम भी बोल सकते हो कि NA बनाना, कितना बनाना, अब ऐसे बोल दो काम चल जाएगा, NA बनाना, कितना बनाना, हाँ यानी कि इतना बनाना है एक मोल। अब मैं बोलूं चलो एक मोल पेन मतलब 6.022×10²³ पेन, इतना पेन, या इसको तुम ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, NA पेन, कितना पेन, NA पेन, ये नंबर है, काउंटिंग यूनिट है, ओके इस तरह कर सकते हैं NA पेन। अब इस चीज सब देखो, बनाना, पेन, ये सब का केमिस्ट्री में कर लेना,
सिंपल सी बात है, ये नॉन केमिकल सब्सटेंस है, नॉन केमिकल स्पीसीज है। क्या है बोलो? नॉन केमिकल स्पीसीज है। हम लोग कोई बात करेंगे तो केमिकल स्पीसीज की बात ना करेंगे, एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, आयन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, समझ रहे हो? ये सब चीजें बात करेंगे। और ये कोई बनाना तराना इस केमिस्ट्री में अभी क्या करेगा, पेन का करेगा, समझ रहे? इसको नॉन केमिकल स्पीसीज, मोल जो है ना जनरली नॉन केमिकल स्पीसीज के लिए इस्तेमाल नहीं करता। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे तो केमिस्ट्री की बात करें। तो अब मैं बोलूंगा एक मोल एटम, क्या चीज? एक मोल किसी का एटम, चाहे ऑक्सीजन एटम हो, हाइड्रोजन एटम हो, हीलियम एटम हो, नियन हो, आर्गन हो, सोडियम हो, पोटासियम, कुछ भी हो, कोई भी एटम हो, किसी का भी, किसी भी एलिमेंट का एटम। तो इसको बोलो 6.022×10⁻³ एटम, इतना एटम। या तुम इसको चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो Na एटम, कितना एटम, क्या समझे? Na एटम। तो ये जो है तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर है, यानी कि एक मोल कंसेप्ट है कि मोल इस तरह था। ये एटम जो है समझ में आता है केमिकल स्पीसीज है, क्या है? केमिकल स्पीसीज। हाँ, अब मैं बोल दूं एक मोल, ओके, क्या बोल दूं? एक मोल मॉलिक्यूल, क्या बोल दूं? एक मॉलिक्यूल, मोल मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? तो 6. बोलो, दो तीन बार बोलो, याद हो जाएगा। 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहां पे तुम इसको ये भी बोल सकते हो Na मॉलिक्यूल्स। Na मतलब क्या होता है? Na स्टैंड फॉर एवोगाड्रो नंबर, बार बार मैं लिख रहा हूं। तो ये सब तो कुछ समझ में आता है सर, ये जो है थोड़ा सा केमिकल स्पीसीज है। क्या है ये? केमिकल स्पीसीज है, ओके। तो ये केमिकल स्पीसीज है, तो थोड़ा बेसिक उतारो, समय बताता हूँ, आगे बताता हूँ। क्या सारा? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो इसको नोट कर लो, छोड़ दिया, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक मोल का मतलब क्या होता है, पहले समझ में आया? अब एक चीज सुनो, अब एक बताओ ये जो नंबर है ना, ये नंबर बताओ, ये बहुत छोटा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है ये नंबर, जो काउंटिंग यूनिट है, ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बोलो ना, बहुत बड़ा। 10⁻³ है, 10³³ है, 1 पर 23 जीरो बैठाओ, और अब खराब होगा, जानते हो? कहा जाता है, हम एक बुक में पढ़े थे कि अगर किसी इंसान के पास इतना पैसा होगा ना, समझ रहे हो, और डेली 10 लाख रुपया खर्चा करेगा ना, तो उसको खर्च करने में इतना पैसा को 15 मिलियन कितना साल लगेगा, माने इतना पैसा खर्चा, माने डेली अगर 10 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो, माने इतना ज्यादा है, माने कि ये बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। अब इसकी क्या यूज है बताओ, क्या माने कि एवोगाड्रो नंबर जो बनाया, ये कैसे आया, माने कि ये क्या है, इसका मतलब है, समझ में आना चाहिए। अब एक चीज बताओ, मैंने तुम लोगों को बताया था, ओके, रहने दो, अभी उसको रिलैक्स होने दो, मैंने बताया था तुम लोगों को, बताओ एक बूंद पानी में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, बताया था मैंने, अप्रोक्सीमेटली वाटर के एक ड्रॉप वाटर में 10⁴४, एक ड्रॉप वाटर में 10⁴४ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब है कि सोचो एक बूंद पानी में इतना वाटर के मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का साइज कितना छोटा होगा, मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल का साइज मैंने बताया था, ऐसा ऐसे ऐसे भोपूलाल बनाए थे, ऐसे भोपूलाल नहीं, ये ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन चिपका हुआ है, याद है नहीं है? वाटर के इस तरह के एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, H2O होता है ना फॉर्मूला, H2O, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल है, अणु है, एक अणु है, ऐसा 10⁴४ अणु होगा एक बूंद पानी में, एक बूंद पानी में, समझ रहे हो? अब सोचोगे एक गिलास पानी में कितना होगा, तो मॉलिक्यूल का साइज कितना छोटा है, और मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है एटम, एटम का साइज कितना छोटा होगा, क्या ये बात समझ आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? तो इतने से अमाउंट में पानी के एक बूंद में तुम सोच सकते हो, इतना इतना अमाउंट है, तो हम क्या उसको संख्या में बोलना सही है? उसको 10⁴ बोले, 10⁵ बोले, तो एक काउंटिंग यूनिट बनाया गया, हम लोग उस काउंटिंग यूनिट को इस्तेमाल करते हैं मोल। तो अब हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एक ग्राम में इतना मोल वाटर के हैं, इतना मोल वाटर के हैं, 2 मोल वाटर है, 3 मोल वाटर है, 4 मोल वाटर है, 5 मोल में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो अमाउंट, सब्सटेंस के अमाउंट को बताने के लिए, सब्सटेंस की मात्रा को बताने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे आया? मोल जो है एक यूनिट है, एसआई यूनिट है, किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। जब हम लोग 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ रहे थे, बेसिक क्वांटिटी पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने लिखा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है मोल, लिखा था ना बेसिक में, कोई बात नहीं फिर पढ़ेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है क्या? मोल। तो मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि कितना अमाउंट है उस चीज का। मैं बोलूंगा जैसे एक मोल एटम, तो एटम का कितना अमाउंट है, एक मोल मॉलिक्यूल कितना अमाउंट है, क्या ये समझ आया? पहले समझ आया एक मोल का क्या मतलब है? तो एक मोल तुमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, सुनो, लिखना बंद कर लेना, ओके, चलो। तो याद ना कि जो मोल है वो क्या चीज है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है। अब एक चीज समझो बहुत अच्छा सा, तुम लोग पता है कि एटम
का मास निकालने के लिए हम लोग उसमें क्या देखते थे, एटम का मास निकालने के लिए बता दें, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, याद आया? इलेक्ट्रॉन का मास तो मैंने बताया था कि वो नेग्लिजिबल है, ओके, यानी कि कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो एक प्रोटॉन की मास को ही, देखो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना होता है बताओ, 1. याद है कि नहीं किसी को, 6×10⁻²⁴ ग्राम, केजी में नहीं, केजी तो 27 केजी हो जाएगा, ग्राम, ग्राम इतना होता है, एक प्रोटॉन का मास इतना होता है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल की वेरी वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, -24 है यार, बहुत छोटा है, एक प्रोटॉन का मास इतना है। अब तुमको पता है कि हाइड्रोजन, सुनो, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के जो सिंपल हाइड्रोजन हमारे पास है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन का पूरा मास जो है उसमें प्रोटॉन के मास की वजह से है। तो उसका जो मास होगा हाइड्रोजन का, मैं पूछूंगा एक हाइड्रोजन का मास कितना, तो बोलो ग्राम में इतना बोलोगे, अभी मत बोला सर कैसे मेजर किया गया, सबका टेक्निक है केमिस्ट्री में, साइंस में, ओके, लेकिन याद ना कि एक प्रोटॉन का मास इतना है, एक प्रोटॉन का मास इतना है, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब मैं तुमसे पूछूं, सुनो अच्छा से लॉजिक है, एक चीज समझना, अब हाइड्रोजन का मास जो, ये इसी को बोलते हैं एक एमयू, वन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसको डिफाइन किया गया है वन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मतलब कि एक एटम के मास को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। अब एटम के मास को तौलने के लिए कोई ना कोई हमको बटखारा चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए, वो रेफरेंस हमारे लिए ही बनाया गया, मैंने हाइड्रोजन जो है ना, एक हाइड्रोजन का जो मास है ना उसको रेफरेंस बनाया गया, और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास एक एमयू होता है, एक एमयू, एक एमयू जो है वही इतना होता है, 1 AMU = 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। क्या समझ आया बात को, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, क्या दिख रहा है, क्या उसमें कटना रहा है, चलो ये 1 AMU, आजकल 1 AMU को ये ना बोलकर 1U बोलते हैं, यू बोल देते हैं, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट को आप क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफाइड मास, ओके, यूनिफाइड, ये सब जो केमिस्ट्री में कोई भी चीज चेंजिंग होती है ना उस, उनके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है IUPAC, कौन रिस्पॉन्सिबल है, IUPAC एक संस्था है जो केमिस्ट्री में कोई भी रूल चेंज होता है तो सारी चीजें वो उन्हीं को हक है करने का, ओके, याद है ना, IUPAC लॉ नियम पढ़े थे कार्बन का केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम लिखने का तरीका, तो जो भी केमिस्ट्री में नियम बनाई जाती है, कोई सिंबल बनाया है, कुछ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर स्टडी होंगी तो सारी चीज रिसर्च वगैरह जो भी है वो IUPAC करेंगे। तो अब पहले एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता था, लेकिन अब कुछ साल पहले AMU को बनाया गया यू, यूनिफाइड मास बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो 1U लिखो या 1 AMU लिखो कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप कभी यूज मत करना क्योंकि ये यूनिट है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के मास को रेफरेंस बनाया गया एक AMU। अब कार्बन में तो 12 प्रोटॉन है, कार्बन कितना है, तो 12U बोलेंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 इतना ग्राम हो जाएगा, क्या समझ रहा है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन का भी मास करीब करीब इतना ही होगा, तो न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही होता है करीब करीब, तो 1U तुम प्रोटॉन के मास को भी बोलोगे और 1U न्यूट्रॉन के मास को भी बोलोगे, समझे। अब जैसे कार्बन में तुमको पता है कार्बन तुमको 6 प्रोटॉन होता है, अच्छे न्यूट्रॉन होता है, तब तो उसका एटॉमिक मास 12 लिखते हैं, 12 तो एक न्यूट्रॉन के लिए 1U, एक प्रोटॉन के लिए भी 1U, तो टोटल 6 न्यूक्लियंस, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो 12 न्यूक्लियंस हो गया था, 12U 12U बोलते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12U बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 12U, मतलब ग्राम में अगर कन्वर्ट कर दो, 12 को इतना से मल्टीप्लाई कर दो, 1U का वैल्यू इतना है, तो 12U का वैल्यू एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास ना कि एटॉमिक मास जो यूनिट है ना वो डिफरेंट से बना है और ये ग्राम में इसका वैल्यू इतना होता है। अब एक चीज सुनो, इसको तुम अगर इसका उल्टा करो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गौर से ध्यान सुनना, जैसे मैं बोलूंगा इसको उल्टा करके चल रहा हूँ, इधर तो लिख लियो ना, इसको मिटा सकता हूँ ना, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं एक चीज बता दो, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा कि ये मूल कंसेप्ट क्या है, बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग बात बताई जाएंगी, अभी पेशेंस रखो, ठीक है। मैं तुमको बोलूँ सुनना कि बताओ हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1U, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है, सिंपल जो हाइड्रोजन है, जो हमारे पास हाइड्रोजन बोला था, प्रोटियम बोला था, ट्रिटियम बोला था ना, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 1, 1, 2, 1, 3, 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तो सिंपल हाइड्रोजन की बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं तो सिंपल हाइड्रोजन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट यही पाया था, इसकी अबंडेंसी नेचर में सबसे ज्यादा होती है, 99.99%, ओके, और ये बहुत कम, 0.00, ये बहुत कम है, यानी कि रेयरली पाया जाता है, खेलोगे ना, तो ये ट्रिटियम है, ये ड्यूटेरियम है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, याद है, पी बोलते हैं, टी बोलते हैं, डी बोलते हैं, टी बोलते हैं, है ना, चलो तो सिंपल हाइड्रोजन हम लोग बात करते हैं, तो सिंपल हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1U, कितना होता है, अच्छा तुम बोलो सर पीरियोडिक टेबल में तो ये लिखा हुआ है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास है,
ये ऑलरेडी मैंने बेसिक केमिस्ट्री में कवर कर रखा है, फिर बताऊंगा अभी बताऊंगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो मास मेंशन किए गए हैं वो एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास समझ जाना कि उसके आइसोटोप होंगे और आइसोटोप के हिसाब से उसका परसेंटेज जो अमाउंट नेचर में पाया जाता है उसके परसेंटेज के आधार पे एवरेज निकाला गया। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट के आइसोटोप का एवरेज मास जो होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है 1 पे, लेकिन 1U ये तो एग्जैक्ट है। अच्छा से बैठो आप, अब इस 1U का वैल्यू कितना बताओ, 1U का 1.67 10 to the minus 24 ग्राम। क्या मतलब है इसका, बताओ कि इसका मीनिंग क्या है। 1U मतलब वन एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, वन एटम का मास, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ, तो मैं लिख रहा हूं मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन एटम कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। सब बचा सुनो, इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं अभी मैं। अगर तुमसे पूछो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, ये पता होना चाहिए, क्या हो गया ग्राम में। मैं पूछो बताओ एक ग्राम में कितना मास होगा, मतलब एक ग्राम में कितना हाइड्रोजन होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। सुनो, एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना है ग्राम में, ओके बात समझ रहे हो। मैं तुमसे पूछूंगा बताओ एक ग्राम हाइड्रोजन, एक ग्राम में कितना हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के एटम की संख्या पूछ रहा हूं, ठीक है। तो उल्टा कर दोगे, सिंपल सा बात है, ये बताओ मैं बोलूंगा बताओ 20 में 100 है, करना है तो एक में कितना होगा, 100/20 करो, यूनिटी मेथड से करके उसे उल्टा करूंगा मैं। यहां पे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एक एटम का मास इतना है, इतना ग्राम है, तो मैं बोलूंगा एक ग्राम में कितना मास, कितना हाइड्रोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, उल्टा कर दो, पल्ली को कान पकड़े सीधा कर दो, पहले कान पकड़े सीधा कर दो, इतने ग्राम में कितने कितने हाइड्रोजन एटम है, मतलब एक ही हाइड्रोजन एटम का मास इतना है ना, इतना ग्राम, तो एक ग्राम का कितना होगा, एक ग्राम में बताओ, 1 by gram, तो 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, नहीं गलत बात, हाइड्रोजन एटम, इतना हाइड्रोजन एटम, एटम की बात करें, ग्राम, एक ग्राम में कितना होगा। अब सुनो इस, जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ऊपर ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, दस का पावर 24 हो जाएगा, जल्दी बोलो। अब इसको सॉल्व कर दो, बहुत बड़ा वैल्यू बहुत छोटा वैल्यू है, बताओ जल्दी बताओ, बहुत बड़ा वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, 10 ले लो, 100, 10 हो जाएगा, दिख रहा है क्या ये। मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ समझना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, मैं हाइड्रोजन आइटम है, इसको ऊपर ले जाता हूँ, इतने हाइड्रोजन आइटम, 1/10 कर देता हूँ, 1 लिख दो, 1/1.67 10 का पावर 24 ऊपर जाया गया, हो गया। अब एक जीरो बैठा दो यहाँ पे, 10/1.67 और 10 का पावर कितना बचा, 23। अब तुम डिवाइड करो, 16 6 96 100 है ना, जीरो है ना, 16 6 96 022 10 का पावर 23। देखो अमेजिंग बात आ गया, लो यही अमेजिंग बात बताने के लिए बताया था कि क्या क्या है, मतलब क्या होता है ये, जो डिवाइड कर दिया मैंने, मुझे आता था, याद था, ये वैल्यू तो होता ही था का। तो एक ग्राम हाइड्रोजन में इतना हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, ओके, दैट मीन्स 1 mole ऑफ हाइड्रोजन है ना, दिख रहा है ना, क्या समझ आया बात को, नहीं समझ बात को अच्छा से। एक ग्राम जो है ना, एक ग्राम में कितना हाइड्रोजन मौजूद है, देखो 6.02 × 10³ हाइड्रोजन, मैंने कि इतना आइटम है, दैट मींस एटम कितना छोटा है ये सोच सकते हो, इतना पार्टिकल है उसका, ओके okay, अब इसको मोल बोलते हैं, 1 mole हाइड्रोजन, ओके okay, अब जो अब बताओ बर्स, देखो जो एक ग्राम है, बताओ मैं तुमसे पूछूं एक ग्राम कितना हाइड्रोजन का मास है, मैं तुमसे पूछूं एक ग्राम कितना हाइड्रोजन का मास है, बताओ एक ग्राम का मास तो इतना है, सॉरी एक हाइड्रोजन का मास तो इतना है, एक हाइड्रोजन का मास इतना है, यही को बोला गया एटॉमिक मास यूनिट, एक यू। अब मैं बोलूं कि एक ग्राम में कितने हाइड्रोजन है, तो निकला सर इतना हाइड्रोजन निकला, गौर कर रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं कि जो एक ग्राम में जो हाइड्रोजन है, क्या बोला, हाँ कितने हाइड्रोजन एटम है एक ग्राम में, एक ग्राम में इतना है, समझ रहे हो बात को, यानी कि ये मोल ही तो है तुम्हारा एक तरह का, समझे। तो ये क्या चीज बता रहा है कि ये एक ग्राम जो मास है वो इतने हाइड्रोजन एटम का मास है, इसको बोलते हैं मोलर मास, क्योंकि एक इतना पार्टिकल को मोल कहा जाता है, इतना ही को कहा जाता है, तो इतने माने कि इसको क्या बोलोगे, या तो ये बोलो 6.022 × 10³ हाइड्रोजन बोलो, या ये बोलोगे 1 mole हाइड्रोजन, बस सेम है, क्या समझ रहा है। तो ये जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम कितने हाइड्रोजन का मास है सर, इतना हाइड्रोजन का मास है, इतना, या तो बोलो इतना हाइड्रोजन का मास है, या इतना बोलो कि 1 mole हाइड्रोजन का मास है, तो 1 mole हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम, लॉजिक समझना, और एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, एक में बताओ, 1U, उसको वैल्यू को ग्राम में छोड़ो,
मैंने क्या बोला, फिर से सुनो, एक मोल हाइड्रोजन का मास कितना है? एक मोल हाइड्रोजन का मास, अब मैं पूछ रहा हूं बताओ कि एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? वन यू। उस बैल को चलो ग्राम में, चलो टेंशन, फर्क क्या है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में? कुछ फर्क नहीं, खाली यूनिट का फर्क है। तो मैं कैसे लिखूंगा, वन यू और वन ग्राम, दोनों में क्या फर्क बताओ? ये वन यू एक एटम का मास है, क्या बोला फिर से बोलो? एक ग्राम एक मोल एटम का मास है, क्या बोला समझाया? अगर एटम की बात कर रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल की बात, मॉलिक्यूल की बात कर लेंगे बाद में करेंगे, पहले ये बात समझाया, क्या समझाया मैंने? मैंने बोला वन यू, मैंने किसी एटम का, मैंने बोला कि किसी एटम के लिए वन यू है, वन यू बोलो एक एटम का मास। अब वन ग्राम एक मोल एटम का मास, एक मोल मतलब इतना पार्टिकल का, क्या समझ रहे हो? बस फर्क है दोनों का वैल्यू तो सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू, बट यूनिट का फर्क है, यूनिट बहुत बड़ा फर्क ला रहा है, समझ रहे हो? तो हम लोग अब बताओ, हम लोग यूनिट ये इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि इसको प्रेफरेंस देंगे? एक एटम का मास की मेजर करेंगे हम लोग, हो गया एक एटम का मास वन यू, बोल दिया बोल दिया। अब हम लोग जो लैब में काम करेंगे तो एक यू के साथ काम करेंगे, ग्राम में काम करेंगे, 10 ग्राम 20 ग्राम, तब हाथ में लगेगा, ओ ये पानी है, ये गैस है, इतना गैस, इतना एक मिनट का बोलते, एक ट्यूब में पैक करेंगे तो ग्राम में पैक करेंगे, तो इसलिए हमारा सारा कैलकुलेशन मोल के हिसाब से होगा कि यू के हिसाब से होगा? मोल के हिसाब से होगा, क्यों? ग्राम की बात करेंगे वहां पर से, क्लियर हो गया? तो हम लोग कभी बोलते तो बोलते ग्राम मास लेते, ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, जब भी ग्राम एटम्स बोल देंगे ओ मोल्स की बात हो रही है, ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल देंगे ओ मोल्स की बात हो रही है, कैसे समझा तुमको? अरे समझा? तो ये दोनों की यूनिट तो डिफरेंट है बट दोनों की वैल्यू सेम है, और यूनिट डिफरेंट होने की वजह है उनके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें एक पार्टिकल के मास है ये, और ये एक मोल पार्टिकल का मास है, दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस, ओके, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कार्बन का लिखेंगे, कार्बन का मास होता है 12 U 12 U, तो वो एक कार्बन एटम का मास है, एक कार्बन एटम का मास है, जैसे कार्बन का मैं लिखूंगा यहां पर, कार्बन का मास होता है 12 U एटॉमिक मास U, वो 12 U कार्बन का एक, यानी कि ये बताएगा कि एक कार्बन एटम का मास है, एक कितना छोटा होगा वो, आई मास बहुत छोटा भी है, सिंपल सा बात है, लेकिन मैं लिख दूंगा कार्बन का मोलर मास लिखूंगा 12 ग्राम, ये कार्बन का मोलर मास कहलाता है, क्या कहलाता है? एक मोल कार्बन एटम का मास है वो, एक मोल कार्बन का, मतलब हाथ में रखोगे कोयला को पीस करके थोड़ा सा हाथ में थोड़ा रखाएगा वो 12 ग्राम तो थोड़ा सा होगा ना, तौल के कुछ तो होगा ना, तो हाथ में थोड़ा सा आ भी सकता है, उसको हम फील भी कर सकते हैं, हाथ में रगड़ भी सकते हैं, अच्छा सा टिका उका भी लगा सकते हैं, क्या समझ रहे हो बात को? लेकिन इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अरे समझ रहे हो? और जो कजनी ना लगाती थी मम्मी बचपन में, तो वही तो आता था ना, वही तो कार्बन ही ना होता है, क्या होता है वो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो ग्राम में कजली ना होता है गर्म करके, तो ग्राम में बोल सकते हो, हाथ में तो लगता है पकड़ा भी जाता है, कितना एक एटम मास कितना कम छोटी चीज है, ये तो पॉसिबल नहीं, यूज ही नहीं कर सकते हैं, मतलब ये सिग्निफिकेंट ही नहीं है यूज करने के लिए, क्या बात समझ आए बात को? तो याद रखना एक चीज, देखो तुम गौर करोगे, अगर गौर करोगे तो ये 1U का उल्टा एवोगाड्रो नंबर है, 1U का उल्टा, क्या ही समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने अगर तुमने 1U को उल्टा किया, 1U को उल्टा किया तो ये एवोगाड्रो नंबर का उल्टा होगा, यानी तुम ऐसे बोल सकते हो 1U बराबर 1/NA ग्राम, ऐसे बोल देंगे, नहीं समझ आया बात? नहीं समझ आया? अरे 1U क्या था, ये तुम्हारा था 1U ये है, इसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल लोगे तो कितना वैल्यू आ गया, क्या समझ आया? तो 1U इज द रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर, मैंने ये एवोगाड्रो नंबर का उल्टा है, जब भी तुम इसका उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा, लॉजिक समझ रहे हो? नहीं समझ आ रहा लग रहा बात? अभी मैंने पूरा अभी पर्दा खोल रहे हैं इसका, ओके, चिट्ठा खोल रहे धीरे धीरे करके, तो पहले क्या करो कि तुम लोग यहां से स्टार्ट करके पॉइंट लिखो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं और बात सब बताएंगे, अभी अभी कुछ नहीं, सब सवाल वाल नहीं बनाना, अभी बस कंसेप्ट दे रहे हैं, क्या सवाल समझ आया बताओ इसको? तो आगे आते हैं बात को, पहले यहां से स्टार्ट करके लिखो मास ऑफ प्रोटॉन को लेकर के, 1U, 1U का मतलब क्या हुआ? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ कितना एटम? 1 एटम, हमेशा याद रखना, चलो इसको लिखो, क्या सरक गया ये मोल कंसेप्ट बेचारा, मोल अवधारणा, चलो ओके, चलो ये तो अभी बेसिक में बता रहा हूं, इसको ये ग्राम क्यों क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं ग्राम एटम्स, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, या इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, क्यों ग्राम में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास, इसको मोलर मास भी कहते हैं, कई नाम है इसका, लेकिन मोलर मास जनरल नाम है, मोलर मास क्योंकि मोल का मास है, मोलर मतलब मोल, ठीक है, तो ये चीज है, तो अभी बताऊंगा मैं, वेट करो इसको मिटा रहा हूं, अब चीज चलो एक टॉपिक में लिख रहा हूं, मोलर मास, क्या लिख रहा हूं? मोलर मास हेडिंग दे रहा हूं, मोलर मास, मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास?
चाहे एटम हो या मोलिक्यूल हो, क्या बोलोगे? मास ऑफ 6 पॉइंट, टोटल मास बोल दो, टोटल मास ऑफ, अच्छा लग, टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ 6.022 10^10 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बदले में यहां पर एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो टोटल मास ऑफ 6.022 10^23 पार्टिकल इज कॉल्ड, ओके, मोलर मास। मोलर, मोलर मास किसको बोलोगे, या ई बोल सकते हो तुम, ई इसको क्या बोलते हैं, एक मोल मास, एक मोल पार्टिकल, किसी भी एक मोल पार्टिकल के मास को बोलेंगे मोलर मास। एक मोल एटम है तो इसको मोलर मास बोलेंगे, एक मोल माने एक मोल एटम का मास मोलर मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास। बट उसके लिए थोड़ा सा टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी बोल देते हैं एटम का इस्तेमाल करते, बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, हाँ ये टर्म, लेकिन मोलर मास बोलेंगे, ओके ग्राम। और अगर मान लो मॉलिक्यूल की कंपाउंड की बात करते हैं, मॉलिक्यूल को लेंगे तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब भी ग्राम लिखा हुआ होगा समझ लेना मोलर मास है, वो मोल में ही रिलेशन है वो, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, अब एग्जांपल सुनो, सुनो एग्जांपल सुनो, जैसे मैं बोलूं कि बताओ एक कार्बन का मास कितना होता है, एक कार्बन का मास 12 U, इसको कोई डाउट नहीं है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, 12 × 10^(1.67 × 10^-24 ग्राम, ग्राम लिखो, जी लिखो या जीएम लिखो, ऐसा उसमें जी जी लिख देता है, चिंता नहीं मत करो, क्या कोई दिक्कत है इसको, ग्राम में तुम बता सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार यूनिटरी मेथड से सवाल बन जाता है, तो दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाना है, ओके, लॉजिकल से ही बन जाता है। सुनो जी सुनो, अब मैं तुम्हें बोलूं, सुनो यार, सुनो ना यार, कितना बोलोगे, ये एक कार्बन का मास है, एक कार्बन एटम का मास है, मैं बोलूं बताओ एक मोल कार्बन का मास, एक मोल मतलब क्या, 6.022 या एन लिख दें, 6.022 10^23 ओके इंटू 12 1.67, बोलो ना, बोलो ना, 1.67 10^-24 कोई दिक्कत किसी को, ग्राम में लिख देंगे, कुछ है नहीं। अब बताओ ये तुमको पता है कि ये वैल्यू इसके उल्टा होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई करो, 6 × 1.5 कितना है, 1.5 × 9 यानी 10 कर देता हूँ, क्या 1.5 × 9, अरे ये 1.67 को इससे मल्टीप्लाई करो ना, तो ये 1.5/6 है, 6 × 1.5 हो जाएगा, 10 के करीब है, कर ले रहा हूँ 10 के करीब, अरे अप्रोक्सीमेट बोला ना, उसका उल्टा है, टेंशन क्या है, अब 10^23 है, ये 12 है, और 10^24 है, देखते रहो, ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, -24 + 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल। लॉजिक समझ आया क्या, ये बच्चा बोले सर ये कैसे कर दिया कल, अरे यार इसको तुम ये भी तो बोल सकते हो कि ये इसका उल्टा है, तो डायरेक्ट लेकर काट दो, धो करके कोई दिक्कत नहीं है, तो 10^24 अब -24 जीरो हो गया, डायरेक्ट करते हैं, तो 12 ग्राम क्या आया, ये 12 ग्राम क्या आया तुम्हारा, एक मोल कार्बन एटम का मास, मास ऑफ वन मोल कार्बन, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम, इतना 12 ग्राम। तो देखो कार्बन के एक एटम का मास 12 U, कार्बन के एक मोल का मास 12 ग्राम। लॉजिक समझ में आ गया, हाँ, तो 12 ग्राम को कहेंगे मोलर मास, क्या बोलेंगे इसको, ये मोलर मास है, क्या है, क्योंकि मोलर मास किसको बोलते हैं, कितने पार्टिकल का, इतने पार्टिकल का मास, इतना पार्टिकल जो इतना पार्टिकल का मास है, अरे एक पार्टिकल का मास इतना था, एक एटम का मास इतना था, इतना का निकालना तो गुना करना पड़ेगा ना, गुना करके दो ना, ये हो गया 10, ये 10 के करीब हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये 10^23 है, 1 × 10 = 24 + 24 = 24 कैंसिल हो गया, ओके 12 बज गया 12 ग्राम। तो ये कह रहा हूँ कि मोलर मास में और ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में कोई फर्क नहीं है, यूनिट का फर्क है, मतलब का फर्क है, लेकिन वैल्यू तो दोनों का क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही है, कैसे मैं बताऊं। अब मैं कभी बोलूँ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, हम लोग जानते हैं 16 होता है, तो 16 U लिखेंगे यानी कि एक एटम का मास, 16 ग्राम लिख देंगे यानी कि एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास, क्या फर्क समझ रहा है। अच्छा ये मोलर मास है, तो इस मोलर मास चूंकि एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे, इसका एक और नाम है ग्राम एटॉमिक मास, क्या नाम है इसका, जब भी ग्राम लिख देना तो तुम समझ लेना मोलर मास की ही बात हो रही है, तो इस मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं एलिमेंट के केस में, किसे किस में, जब मॉलिक्यूल होगा तो उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं दोनों, लेकिन मोलर मास दोनों को बोलेंगे मोलर मास, नहीं मोलर मास दो तरीके से बता सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, नाम याद ना, कभी कभी ग्राम एटॉमिक मास लिखा रहेगा तब भी समझना मोलर मास है, ग्राम एटम्स लिखा रहेगा, ग्राम एटम, ग्राम रिलेटेड है मोलर से, मोल से बात करते हैं, क्या समझ आ गया। तो बताओ मोलर मास क्या होता है, एक मोल किसी भी पार्टिकल का मास को मोलर मास कहते हैं, बात खत्म, किसी भी एलिमेंट के एक मोल का मास क्या कहलाएगा, चाहे वो एटम का मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास, क्लियर हो गया।
अरे लॉजिक समझे, इसको लिखो फटाक से, नहीं आप क्वेश्चन करवाते हैं तब समझ में आएगा, बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, नोट करो। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास। कभी भी मोलर मास होगा तो वो ग्राम में लिखा हुआ रहेगा, समझना वो मोलर मास है, यानी कि वो एक मोल का मास है। क्या है? तुम भी बोल सकते हो मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल। चलो भाई अब एक चीज बताता हूँ, पेशेंस रखो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज बताता हूँ, छोटा एग्जाम्पल एक और देता हूँ, एग्जाम्पल लेना एग्जाम्पल। अब बताओ वाटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर क्या है, इसका मास निकालो। कैसे निकालोगे? एक हाइड्रोजन का एक होता है और दो हाइड्रोजन है, 16 कितना हो जाएगा, 18 U, दैट इज इसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उसका एटॉमिक मास ऐड कर दो तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या समझा? तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18 U। ये कितने वाटर मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, कितना मॉलिक्यूल मास है वाटर के, एक मॉलिक्यूल जो भोपूलाल था ना, ये भोपूलाल, एक मॉलिक्यूल भोपूलाल का मास है ये वाटर का, समझे, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास है ये। अब हम एक मोल की बात करेंगे, एक मोल करेंगे तो बस क्या करेंगे, देखो मैं लिख दूंगा 18 ग्राम लिख दूंगा, ये तुम्हारा हो गया वाटर का मोलर मास ऑफ, बोलो वाटर, फिर उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मुझे, पूरा आएगा ही आएगा 18 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास ऑफ वाटर, व्हाट डू मीन बाय मोलर मास, यानी कि वन मोल का मास, वन मोल का कितना आंसर आएगा, 18 ग्राम आएगा। क्या समझे? तो इस मोलर मास को हम लोग यहाँ पे इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझे आपको? तो मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम है, उसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, एलिमेंट के लिए एटम की बात कर लेंगे हम लोग। क्या समझ आपको? वैसे O2 के केस में मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, N2 के केस में मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं, बट कंपाउंड के केस में स्पेशली मॉलिक्यूलर मास बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। तो मोलर मास भी बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलेंगे, 18 ग्राम, खाली फर्क होगा यू का, क्या चीज का, मैंने यूनिट का, सॉरी यूनिट का फर्क होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, इसका यूनिट यू, इसका ग्राम। तो ये मोलर मास है और ये क्या है, तो बताओ 18 ग्राम कितना, मैं पूछूंगा बताओ 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल है, तो बोलो सर एक मोल मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, एक मोल मॉलिक्यूल, यानी कि 6.022×10^23 मॉलिक्यूल है, मतलब यही है। अब मैं बोलूं 18 यू में कितना मॉलिक्यूल है, माने कितना का ये मास है, कितने मॉलिक्यूल का मास है, वन मॉलिक्यूल का मास है, लॉजिकल है बहुत, इट इज वेरी मच लॉजिकल। क्या समझे आपको? तो मोलर मास के लिए दो टर्म इस्तेमाल होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास एटम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट, मतलब दोनों को हम लोग मोलर मास बोल सकते हैं, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो ये मैंने मतलब बता दिया, अब हम लोग कैसे ये पढ़ते हैं कि हम लोग मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोल कैलकुलेट। अच्छा बताओ मोल पता है तो पार्टिकल पता है, क्या बोला मैंने, मोल पता है तो पार्टिकल पता है, पार्टिकल पता है तो मोल पता है। जैसे बताओ एक मोल में कितने पार्टिकल है, चलिए अब सुनो मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ, इसका तीन तरीका पढ़ना है हम लोग को, एक तो मास से रिलेटेड निकाल सकते हैं, मास भी अभी मैंने बताया, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, सब अच्छा सुनो, अच्छा मोल्स को मैं एन लिखूंगा, एन जब भी एन लिखूंगा तो समझना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, हाँ क्या समझा तो एन लिखूंगा तो कहा देना क्या चीज, नंबर ऑफ मोल। जैसे मैं बोलूँ, जैसे बताओ तुम बताओ एक दर्जन में, वन डजन में कितना होता है क्वांटिटी, 12 होता है, 12, मैं बोलूँ 24 में कितना दर्जन, बताओ तो 12 से डिवाइड कर दो, दो दर्जन निकल जाएगा, दो डजन, टू डजन। उसी तरह एक मोल में पार्टिकल पता है तो दो मोल में कितना पार्टिकल पता चल जाएगा, एक दर्जन में 12 पता है दो दर्जन में 24 हो जाएगा, 12 × 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, और उल्टा 12 पता है तो एक दर्जन, 24 पता है दो दर्जन, यानी डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह मोल दिया रहेगा तो पार्टिकल निकाल लेंगे, पार्टिकल दिया हुआ तो अब पहला क्वेश्चन चलता है, चलो कैलकुलेशन मोल, पहला फॉर्मूला, पहला उन्हें कैसे बना होगा, चलो मैं एक क्वेश्चन सुनो, सुनो सब बच्चा, सुनो सब बच्चा का ध्यान आना चाहिए, सुनो तो इधर 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 जिस वन पॉइंट, ओके जैसे मैं बोलूँ, जैसे एक क्वेश्चन क्या होता है 6.022×10^24 क्या देख रहे हो, मैं तुमको बोलूंगा बताओ इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, ये कितने इतना पार्टिकल है, तो मैं बोलूंगा पार्टिकल मैं उठ दे रहा हूँ, ऐसा वैसा करो ना, उल्टा करता हूँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुको क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हाउ मेनी, ओके हाउ मेनी, सुनो जैसा बच्चा, हाउ मेनी सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन, ओके थ्री मोल्स ऑफ सोडियम, क्या मतलब क्या हुआ था,
कितना आसान है, क्या बोला है कि सोडियम, कितने सोडियम एटम मौजूद हैं, 3 मोल सोडियम में, 3 मोल सोडियम का सैंपल है, 3 मोल सोडियम का सैंपल है, ओके। अब तुमको बोला है कितना सोडियम एटम प्रेजेंट है, तुमको पता है कि 1 मोल में कितना होता है, बताओ क्या होता है, 1 मोल में, 1 मोल सोडियम में कितना होगा बताओ, 6.022 × 10³ सोडियम, इतना सोडियम एटम होगा, कोई डाउट किसी को, 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में क्या होगा, इसे गुना कर दो, 3 मोल पूछ रहा था, 3 से गुना कर दो, लॉजिकल है, तो 3 मोल में कितना होगा ये बताओ, 3 मोल सोडियम में 3 से गुना कर दो, क्या समझ में आया, तो आंसर क्या लिखो, आंसर बताओ, मल्टीप्लाई करो, 18.066 × 10³ मत यहां रखना आंसर, साइंटिफिक नोटिस में लिखना होता है, किसमें लिखना होता है, तो डेसिमल किसका उधर, 1.8066 × 10²24 कर दो, कितना कर दो, अरे यार एक डेसिमल किसका है ना, तो एक और 10 बढ़ा दो उधर, है ना, तो 10²24 इतना एटम मौजूद है, क्या दिक्कत है, कोई टफ है क्या, अरे मुझे मोल पता है और हमको पार्टिकल निकालना है, क्या निकालना है, तो जितना 1 मोल में होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एन ए से मल्टीप्लाई, ये एवोगाड्रो नंबर नहीं समझना, गलती मत कर, एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इससे अच्छा है कि हीलियम कर देते हैं, पता चला कि कोई बात नहीं है, चलो हीलियम ही कर देते हैं, एग्जांपल हीलियम, वैसे भी ये एटॉमिक फॉर्म में आया था हीलियम, हीलियम का ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कहीं चेंज और कहीं चेंज करना, देखो तो और कहीं चेंज करना है, हर जगह हो गया, चलो हीलियम के एटम की बात कर लिए, क्या समझा, तो तुमको मोल दिया हुआ था, 3 मोल दिया हुआ था, बोला था कितना एटम मौजूद है, तो पार्टिकल निकाल लेंगे, क्योंकि 1 मोल में इतना होता है तो 3 मोल में 3 से गुणा कर देंगे, जैसे 1 दर्जन में 12 पता है तो तुमको बोले 3 दर्जन में कितना केला होगा, तो 12 × 36 केला, कितना आसान है, केला दर्जन से उसको रिलेट कर लो, प्रोडक्शन हो जाएगा, किलो गया, एक तरीका समझ में आ गया, यानी कि तुमको अगर मोल दिया हुआ है, पार्टिकल निकालना है, सीधे 3 को उस मोल नंबर से, यानी कि जो एवोगाड्रो नंबर है मल्टीप्लाई कर दो, एवोगाड्रो नंबर से, तुम चाहो तो इसका आंसर बन, तुम इसको 3NA भी बोल सकते हो, 3NA क्या बोल सकते हो, 3NA, 3NA तो है एवोगाड्रो नंबर, क्या समझ में बात को, चल एक और क्वेश्चन उल्टा सुन, उल्टा 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 उल्टा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन उल्टा दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हाउ मेनी मोल्स, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन, ओके, या एक क्वेश्चन को उल्टा कर रहा हूँ, 1.606 × 10²24 हीलियम एटम्स, चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा है, अब बन जाएगा, अब बताओ उल्टा है, अब यहाँ पे तुमको यहाँ पे ये पार्टिकल दे दिया है, अब बोला कितना मोल है, तो लॉजिक सोचो, जैसे बताओ तुम कोई बोल देगा कि 1 दर्जन में 12 है पता है तुमको, 3 दर्जन में 36 है, मैं उल्टा बोल दो 36 में कितने दर्जन, तो 36 को 12 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आराम से 3 दर्जन निकल जाएगा, उसी तरह ये पार्टिकल दे दिया है, इसको क्या करो, इतना से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आराम से मोल निकल जाएगा, कुछ नहीं करना, तो अब बनाने का तरीका देखो, लॉजिकल तरीका देखो, लॉजिकल तरीका क्या है, अब दो अभी बताना नहीं, कहीं मैं तरीका बताऊंगा, तुमको पता है कि 1 मोल में कितना होता था, हमको तो यहाँ पर क्या निकालना, मोल निकालना है, तो 6.022 × 10 का उल्टा लेकर चलो, मैं 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल, तो मुझे क्या करना है, पहले क्या करते हैं, 1 के लिए निकाल लेते, क्या करते हैं, 6.022 × 10³ इतना मोल, क्या समझे बात को, अब मुझे कितना मोल दिया हुआ है बताओ, 1.8066 × 10²24 मल्टीप्लाई करते क्या, 1.8066 दिख रहा है क्या बाबू, बाय 6.022 कट रहा है क्या, कोई बात नहीं है, काट दे इसको क्या, 6 तारीख, अरे 6 तारीख 18 हो जाएगा ना, इतना सोच रहे हो, हाँ इतना देर से 0.3 हो गया, अरे छोटा है ना, 6 से ही है, तो 0.3 आएगा, 10²24 में 23 घटा दो, 10 हुआ, कितना होना आंसर, 3, कितने मोल निकले, आ गया, क्या टफ है क्या, यानी डिवाइड तो करना पड़ेगा साहब, डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्या समझा उसको, नहीं समझा लग रहा है बात, यार दर्जन वाला बात से ज्यादा, अब हम इसको इतना लंबा नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, यहाँ देखो मैं लिखूंगा, सुनो मैं यहाँ पर फॉर्मूला, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इंटू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या बोलोगे, ये हो गया मेरा काम बन गया, लो खत्म, फॉर्मूला बना दिया मैंने, अब यहाँ याद ना, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, एन ए क्या है एवोगाड्रो नंबर, और एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, जो गिवन पार्टिकल्स है, कितना पार्टिकल दिया हुआ, अगर तुमको पार्टिकल दिया निकालना है, उल्टा गिवन, उल्टा हो गया क्या बुड्ढे सर, एन इज इक्वल टू, उल्टा हो गया, एन नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, अब सही है, अब कोई डाउट नहीं, वही ना काम किया, यहाँ पे क्या था मोल दिया हुआ था,
तुमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो मोल दिया हुआ था, मोल दिया हुआ था, और तुमने एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर तुमको पार्टिकल निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो यहाँ से उल्टा फॉर्मूला। अगर तुमको मान लो मोल निकालना है, क्या निकालना है, तो पार्टिकल जो दिया हुआ उसको इससे डिवाइड कर दो, खत्म। ओके, ये बहुत लॉजिकल है, समझना है इसको। अभी पहले बताओ, ये बताओ यहाँ पे एन क्या है, एन को क्या बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, लिख देता हूँ, दिख रहा है बाबू, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या। और बताओ कैपिटल एन क्या, कैपिटल बताओ, यस गिवन नंबर ऑफ पार्ट, दिया गया पार्टिकल की संख्या, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन ओ क्या, एन ए क्या, एन ए तो उसको तो कोई बोल नहीं सकता है, भूल ही नहीं सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल की संख्या, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कुछ भी हो चलेगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या समझ आया बात को, अरे समझा, अब इस तरीके से तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो एन दिया हुआ है सवाल में, एन का वैल्यू कितना लोगे, तीन, और एवोगाड्रो नंबर तुमको पता है कि 6.02, एवोगाड्रो नंबर पता है तुमको 6.022 10 का पावर 23, क्या हो गया। अब ये तुमको पता है, ये एन ने तो ऑलरेडी पता है, या एन दिया हुआ है, एन निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, पुट कर दो, सीधे मल्टीप्लाई करता आ जाएगा। तुमको मान लो कि ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से नहीं बनाना, तुम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तुमको यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल दिया हुआ है, कैपिटल एन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एन तुमको पता है कितना होता है, भाग कर दो सीधे मोल निकल जाएगा, तीन मोल डिवाइड कर दो सीधे आंसर आ जाएगा, क्यों हो गया। तो मोल निकालने के लिए जो पार्टिकल दिया हुआ उसको डिवाइड कर दो, और अगर तुमको मोल दिया हुआ है पार्टिकल ने, तो मल्टीप्लाई कर दो, लॉजिकल है, क्या समझ आएगा। तो ये थ्योरी लास्ट में लिखोगे ये दोनों बनाने के बाद, चलो तार उसको, ये थ्योरी को लास्ट में उतारना, मैं घेर देता हूँ ताकि तुम लोग क्या बाबू सभा समझिए, बोलिए ना रही हो, खाली अपने स्कूल के बारे में बोलती रहती हो, हाँ स्कूल नहीं गई हो तुम, टेंथ स्कूल में पढ़ी हो कि नहीं, जीपीएस में ना पढ़ी हो, जा तुम जीपीएस प्रोडक्ट नहीं हो, जा जा जा, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, कौन स्कूल में पढ़ी हो तो? ओ हाँ, हमको तो बताया भी था, भूल भी जाते हैं, कहते नहीं कि बुढ़े हो गए हम, कोई शक नहीं है लिख लो लिख लो, इसमें कोई शक नहीं है, पहले ये क्वेश्चन उतार लो, ये क्वेश्चन उतार लो, दोनों का आंसर भी उतार लो, और लास्ट में डब्बा वाला उतारोगे, और उसको दूसरे तरीके से बना के बनाओगे तुम लोग अभी, चलो चलो आ जाओ, नहीं तुम लोग को पहले से आगाह कर दिए कैसा मत करना। चलो देखो देखो देखो, इस सवाल को तुम इस फॉर्मूले पे भी बना सकते हो, बना सकते हो अब, चलो चलो देखो, ये फॉर्मूला कैसे बनाओगे, लिखोगे सीधे लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे, कितना मोल दिया हुआ है जल्दी बताओ, एन सेकंड मेथड, ये मेथड टू है, मेथड टू है, सवाल वन को, सवाल वन को मेथड टू, ओके। अब एन का वैल्यू थ्री दिया हुआ है, तो अब मुझे क्या निकालना है, पार्टिकल निकालना, हाउ मेनी एटम्स यानी पार्टिकल निकालना है, तो एन बराबर फॉर्मूला क्या पड़े सर, सीधे बुला दो, एन इंटू एन है, एन का वैल्यू थ्री इंटू 6.022 मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आ जाए, जो भी क्या वही आंसर आएगा जो बोले है ना, तो 1.8066 10 का पावर 24 आएगा, कोई डाउट इसमें क्या, इतना आइटम। फिर उसके बाद वो वाला मेथड उसको देखो, सेकंड मेथड इसमें क्या चीज़ किया गिवन है, इसमें बताओ गिवन क्या, पार्टिकल दिया हुआ है, पार्टिकल दिया हुआ है, पार्टिकल कितना, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 1.8066 10 का पावर 24 इतना दिया हुआ। अब मुझे एन निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो एन बाय एन ए कर देंगे, डिवाइड कर दो, एन का वैल्यू क्या है 1.8066 10 का पावर 24 और उसके अलावा 6.022 10 का पावर 23 से डिवाइड कर दो, कैंसिल करो, वह आंसर आएगा तीन मोल, खत्म। क्या आसान है कि नहीं है, सो ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। तो एक तो पार्टिकल के हेल्प से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, अब इसके बाद वाला लेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मास से रिलेट करेंगे, किस मास, जैसे मोलर मास पढ़े ना, तो तुमको बताएगा जैसे हाइड्रोजन का एक ग्राम एक मोल का मास है, कितना मोल का मास है, तो दो ग्राम होगा तो दो मोल हो जाएगा, तीन ग्राम होगा तो तीन मोल हो जाएगा, तो मास से भी मोल निकाल सकते हैं, तो उसको भी रिलेट करेंगे, समझ गए। तो अभी तो पार्टिकल को रिलेट करके बताया मैंने, अभी सिस्टमेटिक वे में मोल निकालने का, मोल से हम लोग तीन तीन चीज को जोड़ सकते हैं, मोल से हम लोग पार्टिकल को भी जोड़ सकते हैं, पार्टिकल की संख्या को, मोल से मास को भी कनेक्ट रिलेट कर सकते हैं, और मोल से वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं गैस के लिए, कैसे करेंगे, तीनों केस को पढ़ेंगे, पहला केस आज मैंने पढ़ा दिया, फिर कल पढ़ेंगे मोलर मास का, फिर पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम का पढ़ेंगे, ओके चलो। तो इसको सेकंड मेथड उतारना है तो उतार लो, सेकंड मेथड है मेथड वन, इसका क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर टू का मेथड टू उतार लो, ओके चलो रहने दो, आज बहुत बक दिया, चलो चलो।
तो अब हम लोग जो है आज मोल कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया था बेसिक, ओके। जो बच्चा नहीं आ पाया उसको थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं कि मोल क्या होता है। देखो जैसे कि एक दर्जन में 12 होता है ना, 12 चीजों को दर्जन बोलते हैं, उस एक मोल को बोलते हैं ऐसा। देखो यहाँ एक मोल बराबर इतनी क्वांटिटी होती है, कितनी होती है बता दो जी, 6.022 × 10³। ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये, ओके ओके। एक मोल में इतना नंबर होता है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर को मैं ऐसे लिखते हैं, वैसे एवोगाड्रो नंबर तो इस नंबर को बोलते हैं, लेकिन जब भी एन ए लिखा जाता है तो वो एवोगाड्रो कांस्टेंट के लिए लिखा जाता है। थोड़ा सा फर्क है, बताते क्या फर्क है। इसमें भी पार्टिकल होता ही होता है, 0 × 10³, बट इसकी यूनिट होती है पर मोल। क्या होती है यूनिट? पर मोल। तो थोड़ा फर्क है, ओके। एवोगाड्रो नंबर इस नंबर को कहते हैं, बट एवोगाड्रो कांस्टेंट इसको बोलते हैं। एन ए कभी लिखते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि हर एक मोल में इतना पार्टिकल होगा, इसलिए बोलते हैं पर मोल। समझे? सो नंबर ऑफ पार्टिकल इज 6.022 × 10²³ पर मोल, हर मोल में इतना पार्टिकल। ठीक है, मैं बोलूं कि एक दर्जन केला तो 12 केला, एक मोल मैं बोलूं केला तो इतना केला, बहुत केला, इतना केला कि आदमी पूरा दुनिया भर जाएगा, इतना केला होगा, वो नंबर बहुत बड़ा नंबर है, ओके। चलो तो ये इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बात किया था। एक मोल इसी को बोलते हैं एन ए, एन ए। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोग को, ओके, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, ये तो थोड़ा बेसिक है, कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ओके, ज्यादा नहीं, मैंने क्वेश्चन करवाया था, कंसेप्ट अच्छा से दिया था, तो बेसिक समझ में आ जाएगा तुमको। उसके अलावा एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, नंबर ऑफ एन है नंबर ऑफ मोल्स, क्या है बाबू? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे दर्जन मान लो मैंने बोला 24 केले में कितना दर्जन? 2 दर्जन। तो 12 को 24 से क्या कर दिए, 24 में 12 से भाग कर दिया, तो 2 दर्जन आ गया, उसी मोल निकालते हैं। तो अगर इतना पार्टिकल है तो एक मोल, इतना पार्टिकल है तो इसका डबल है मान लो पार्टिकल, तो उसका 2 मोल हो जाएगा, सिंपल सा। मोल निकालने के लिए इतना से डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, कितना मोल होगा। तो ना एन बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, एन क्या बोलते हैं, और एन ए तो बता दिया, एन ए क्या कहलाता है, एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो कांस्टेंट, ये बोलना सही है, एवोगाड्रो, इट हैज यूनिट पर मोल, ओके। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट, इसका वैल्यू कितना होता है, 6.022 × 10²³ पर मोल, हर मोल में इतना पार्टिकल। उसके बाद एक और था कैपिटल एन, इसको बोलते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जितना पार्टिकल दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी केमिकल स्पीसीज हो सकता है, दैट मीन्स ओके, मॉलिक्यूल, एटम, जो भी बोल दो। तो इसको हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एन इक्वल टू होता है एन बाय एन ए, एन बाय एन, यानी कि एन से एन को काट दोगे, लिख दोगे बनवाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें जबरदस्त मैथ पढ़ते हैं, वो काट देते हैं, तो होते हैं लो, इसको लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला तो ये था, ओके। अब दूसरा था, सुना अच्छा से, यहाँ से उल्टा करो, क्रॉस गुना करो। अगर पार्टिकल की संख्या निकालनी है ना, तो एन को एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, एन एन को एन से क्या कर दो, मैंने लिखा, हो सकता है बोला होगा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, पहले भी लिख सकते हो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है, समझे। तो ये हमारा कुछ बेसिक हो गया आज का, ठीक है। एक मोल इतना पार्टिकल कहते हैं, याद रखो ये पार्टिकल 6.022 × 10 करता है, भूलोगे नहीं नंबर। देखो 0 × 2 यहाँ 0 × 2 = 22 नहीं है, ये 23 है, एक ज्यादा है, बस 22 23 हो गया, याद रहेगा 6.022 = 22 है, यानी कि उसका 10³ एक ज्यादा कर दो बस, याद रखना, तुम भी 23 इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन सुनो बता रहा हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सुनो, एग्जाम्पल कितना हो चुका था, नंबर बता दो, दो जो है, तीसरा करवाता हूँ, सुनना सारे बच्चे सुनना। मैं लिख रहा हूँ हाउ मेनी, स्टार्ट करते हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन 3 मोल्स या 5 मोल्स, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, नाम सुने हो क्या, ओके ऑप्शन देता हूँ, चलो बना ट्राई करो, पहले जिसका छूट गया वो जरूर उतार लेना, पहले छोटा उतारना, मैं जब तक तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व नहीं करना, जिसका छूट गया, जिसका नहीं छोटा बनाओ सीधा, चलो ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन दो क्या, 5 Na, 5 Na, एंड बी ऑप्शन दे रहा हूँ 4 Na, 4 Na, एंड सी ऑप्शन दे रहा हूँ 15 Na, एंड डी ऑप्शन दे रहा हूँ नन ऑफ दिस,
ट्राई करो तो, चलो ट्राई करो, बताओ आंसर क्या होगा। मैंने ऑप्शन भी दे दिया ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिले जिनका। चलो आ जाओ आ जाओ, मैं बताता हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, कुछ बच्चों का बन गया, अच्छी बात है। चलो आंसर इसका 15NA होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। क्यों होगा? सुनो बताता हूँ, सुनो पहले बता, अमोनिया गैस किससे बनता है? एक नाइट्रोजन से, तीन हाइड्रोजन से। यहाँ अमोनिया का पार्टिकल नहीं पूछा है, कितना अमोनिया का पार्टिकल होगा। अमोनिया का मोल पूछता ना, तो अमोनिया का पार्टिकल पूछता था, बहुत आसान था। दो ना, 5 मोल अमोनिया दिया है, ये मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल। ऐसा दो या ऐसा चिपका दो, ऐसा करके चिपका हुआ, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। मान लो 3 हाइड्रोजन चिपका हुआ है, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है? अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से बनता है। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल पूछेगा कि 5 मोल में कितना अमोनिया मॉलिक्यूल है, ऐसा ऐसा तो 5 मोल है ना, तो 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है। तो 5 से गुणा कर दोगे उतना पार्टिकल, पार्टिकल एन ए बोल देते हैं। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में कितना अमोनिया मॉलिक्यूल, इतना इतना मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल। ऑप्शन में अमोनिया मॉलिक्यूल नहीं पूछा, बोला हाइड्रोजन आइटम बताओ। अब तुमको पता है कि एक अमोनिया में कितना हाइड्रोजन है, जैसे होता ना, तो देखो एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन, जैसे मैं बोल रहा हूं सुनना, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन, तो 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन। अच्छा से बोलो, मैं क्या बोला, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन एटम, समझे यार? ऐसा नहीं, 1 मोल एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन, 100 मॉलिक्यूल में 300 हाइड्रोजन, बोले 300 करके उसी तरह, तो उस 3 गुना हो जाएगा। तो बताओ इसका 5 मोल है, कितना मोल है? तो 1 मोल में तो 3 मोल है, 1 मोल में तो 5 मोल में क्या होगा, 5 15 मोल, 15 मोल यानी इतना सुना कर दो, पार्टिकल निकल जाएगा। तो उसी के बदले में एन ए लिख दिया यहाँ पे, 15 एन ए आंसर आ गया। सही है, अरे लॉजिक देखो ना, 1 में 3 हाइड्रोजन है, 5 में कितना होगा, 5 15 हो गया सवाल। अगर नाइट्रोजन पूछता तो 5 ही हो जाता आंसर। क्या समझे बात को? नहीं समझे लग रहा है? अच्छा हाँ, मैं पूछता हूँ, मैं पूछूँ ये किसी क्वेश्चन में घुमा दो, मैं बोलूँगा हाइड्रोजन गैस क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस एस टू, बताओ हाइड्रोजन तो 15 है, मैं बोलूँ एस टू कितना है, एस टू, अरे हाइड्रोजन 15 है, एस टू कितना है, सर साहब 15 का सर साहब, नहीं समझा, भूल आ गया यार, हाइड्रोजन एटम ना 15 है नहीं आया। अब एस टू तो मॉलिक्यूल ना होता है, एस टू क्या होता है, मॉलिक्यूल, तो दो हाइड्रोजन एटम को मिला करके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो 50 हाइड्रोजन एटम को मिला करके 25 मॉलिक्यूल बनेगा, 100 हाइड्रोजन एटम को मिलाकर 50 मॉलिक्यूल बनेगा, आधा करना ना पड़ेगा, तो 15 पार्टिकल है, तो 15 का सर साहब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। नहीं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत है, यानी दो हाइड्रोजन एटम मिल करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, तो 4 मिल करके 2 बनाएगा, 100 मिल करके 50 बनाएगा, तो 15 मिल करके 7 बनाएगा, लॉजिकल है ना? तो बोल देगा क्वेश्चन में कि बताओ हाइड्रोजन गैस का कितना मॉलिक्यूल है, तो 7 NA मल्टीप्लाई कर दो जो भी है ना, NA ये नंबर। क्या समझ में, अब समझ में आया, नहीं समझ आया, एकदम लॉजिकल है, 1 में 3 हाइड्रोजन तो 5 में 5 15 हाइड्रोजन, बस हो गया 15 NA। एनए मतलब इतना नंबर से गुणा करना, पार्टिकल गुणा करना, नंबर में गुणा करना, तो 1500 गुणा कर देता है, तो अलग बात है, हम सिंपल क्वेश्चन बनाया मैंने, क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ? चलो अब मैं देखता हूँ आंसर हो गया, कुछ नहीं है, बोलेंगे 1 मोल बना के दिखा दो, 1 मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन एटम है, बुझ गया, 1 मोल अमोनिया में तो 5 मोल अमोनिया में, बोलो खुशे, 5 15 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, मोल 15 मोल हाइड्रोजन है, अब मोल का मतलब होता है 15 NA, ओके, इतना हाइड्रोजन एटम, आसान है ना आंसर हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, करूँ आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ू, बोलो ना जल्दी 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 करो, हो गया, नोट करो नोट करो, नोट करना जरूरी है, नोट करना जरूरी है, नोट करना जरूरी है, जरूरी है, काबिल नहीं बनो, हो गया मिस्टर मिस्टर, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अब मैं लिखूंगा इसी क्वेश्चन को, देखो ना क्या लिखूंगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, या इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाउ मेनी डाई हाइड्रोजन, ये कितना एनसीईआरटी में मिलेगा ये टर्म, डाई हाइड्रोजन में समझे, एस टू की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, बोलते हैं हाइड्रोजन गैस नेचर में एच के फॉर्म में अकेले कभी पाया
इसी दिन के लिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया था। ओके, H2 हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, यानी हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, डाई हाइड्रोजन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो ये तो बताओ, ये हाइड्रोजन एटम है कि हाइड्रोजन गैस है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो हाउ मेनी डाई हाइड्रोजन इन, मैं यहां पर क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, 3 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, क्वेश्चन ये रहेगा। चलो आप करो, खुद से करो आंसर, 3 मना, मैं रुको ना, 4 मोल कर दिया हमने। चलो अब आंसर मैंने दे दिया 4 Na ऑप्शन में। ओके, 4 नहीं बोलो ना, बोलो बोलने से ना, 4 रुको ना, ये बोलना हटा, 4 दुना 8 12 नन ऑफ दिस, बता आंसर, जोर से बोलो, 8। कितना समझदार हो यार, इतना जल्दी बना लेता है, बता ना, हाउ मेनी डाई हाइड्रोजन इन 4 मोल ऑफ अमोनिया गैस, तो बताओ एक अमोनिया कितना हाइड्रोजन, 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो 4 मोल में 4 दिया 12, 12 ऑप्शन है, 12 ऑप्शन है, मार दोबारा, ऐसा नहीं करना, आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, हाइड्रोजन बोलता तो 12 होता, 12 Na, 12 मोल हो जाता, बट बोला डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 की बात हो रही है, समझा, दो आइटम मिलकर के डाई हाइड्रोजन बनता है, तो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन देता, लो 6 कर देता, अब खुश, तो आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं, माने कि केमिस्ट्री में कोई दीवाने लगाना है, बस लॉजिक से सवाल बन जाता है, लॉजिक से ही, लेकिन आंसर होना चाहिए, तो आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, समझा, अरे हाइड्रोजन आइटम बोलता तब तो, हाइड्रोजन एटम ने ना पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम पूछता तो एक में 3 है तो 4 में 4 दिया 12 होगा, 12 यानी 12 मोल हो जाता, बट यहाँ डाई हाइड्रोजन पूछ रहा है, डाई हाइड्रोजन H2, ओके, दो आइटम मिल करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, तो 12 मिल करके 6 बनाएगा, तो 6 यानी 6 मोल बन गया, क्या सही बात है, समझा, बोलो दिक्कत है तो बोलो, रिपीट कर, बहुत चुटकी वाला क्वेश्चन है, ईजिली बन जाएगा, चलो हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, उतारो ना इसको, नोट करो ना, जब बैठा हुआ है, नोट ना करेगा एग्जाम्पल, अभी अच्छा क्वेश्चन करवाते ना, अभी तुमको देखो ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, इसको भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, एक मोल में इतना इतना मोल हाइड्रोजन एटम, एटम तो 5-4 मोल में 4 दिया 12 मोल हाइड्रोजन एटम, 12 मोल तो 12 हाइड्रोजन मिलकर 6 ही हाइड्रोजन का मोल क्यों बनाएगा, तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके, अब 6 मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, क्या समझ में आ गया, इट इज वेरी मच इजी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े, ओके आगे बढ़े, काहे ना बोल रहे हो तुम लोग, बढ़े आगे, हो गया, मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूं, मिटाऊं, ओके, हाँ बोलो ना, चुपचाप बोलती हो, बोलती हो, क्वेश्चन नंबर फिर हाउ मेनी तो लगा पे करेंगे ना, हाउ मेनी बोलते हैं, हाँ चलो 5, अब लगाते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया को ले खाली मोड़ा बनाते हैं, अमोनिया मुझे बहुत पसंद है, अमोनिया गैस के इन ए सैंपल ऑफ सिक्स पॉइंट 3.011 × 10^24 20 चलो 3.011 इतना मॉलिक्यूल्स, चलो अमोनिया गैस, चलो क्वेश्चन बनाओ, ट्राई कर दो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, अब बनाएंगे नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे, क्या खुद से फॉर्म किया क्वेश्चन, तो ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है, बनाओ मोल्स निकालना है, पार्टिकल दिया हुआ है, मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास, डिवाइड कर दो सीधा, पुचक से नहीं बना लो, Na पता ही है तुमको, N दिया हुआ है, डिवाइड करके आंसर निकाल लो, ओके इट्स माय टर्न नाउ, ओके देखो देखो देखो, रिलैक्स रहो, पहले सवाल बनाने का तरीका दो दो तरीका है, एक तो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका बताओ, मुझे मोल निकालना ना, तुम बताओ, तुम लोग बताओ कितना मोल मिल बनता है, कितना पार्टिकल, पार्टिकल से तरीका सुनो,
6.022 10 का पावर 23 मोल, इतना पार्टिकल बनता है एक मोल से, बनता है। पहले पहला तरीका सिखा रहा हूं जो डेफिनेशन तरीका है कि इतना पार्टिकल को एक मोल बोलते हैं। कितना पार्टिकल को, तो बताओ इतना पार्टिकल, एक पार्टिकल को कितना मोल बोलोगे? 1.6022 10 का पावर 23 इतना मोल। क्या अब कितना पार्टिकल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो ना यार, एक एक में एक में इतना में एक मोल, एक में इतना, तो इतना में कितना मल्टीप्लाई कर दो, 10 का पावर 20 बट्टा 6.022 10 का पावर 23 इतना मोल। चलो काट कूट करो, 3 × 2 = 6, ये तो तुमको बनना बनाए परोस के दे दिए हम काटने के लिए, परोसने के लिए, कैंसिल कितना हो गया 1/2। अब 23 ऊपर ले जाओ तो 20 में 23 क्या कहना चाहेगा, नीचे लिख दे क्या, मुझे नीचे पसंद है 1/10 का पावर 3, 20 को 20 तो कटिएगा ना, अब 1/2 को डिवाइड कर दो इतना मोल 0.5, नीचे 3 को 0 दे दो, लो डिवाइड करना, इतना तो आता होगा, बेसिक समय सिखाया मैंने, करो 0.0005 इतना मोल। आ गया मोल, बजाक को अलग क्वेश्चन है कि नहीं है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका फॉर्मूला भी तुम्हारे पास, ये एन हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल दिया हुआ, अच्छी पार्टिकल मॉलिक्यूल है कि एटम्स है, मोल, अमोनिया गैस के खुद मॉलिक्यूल है ना, क्या समझ आपको, तो अमोनिया गैस का इतना मॉलिक्यूल गिवेन है, तो बोले कितना मोल है अमोनिया के, अगर अमोनिया का मोल पूछ दिया तो इतना ठीक है। अब तुमको तुम बोले अमोनिया का मोल तो पता चल गया, अब तुमको हाइड्रोजन का मोल बताओ, हाइड्रोजन एटम का, तो 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, एक में 3 है 3 से गुना कर दो, नाइट्रोजन का इतना ही हो जाएगा, अगर बोले डाई हाइड्रोजन तो 1.5 से गुना कर दो 3/2, क्या समझ आपको, माने आधा कर दो, हाइड्रोजन का निकाल कर दूसरे भाग कर दो, हाँ आ तो गया, लेकिन एक ही क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्या 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 पूछा जा सकता, तो आंसर है 0.005 मोल्स, हो गया, कोई डाउट किसी को, तरना इसको, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका कहाँ बनाएंगे, दूसरा यहाँ भैया देखो, एन इक्वल टू, पहले इसको लिखो नहीं, पहला मेथड लिखो, तो मेथड वन लिखो, मेथड वन उतारो ना, पूछना है क्या, फर्स्ट मेथड उतारो ना, मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ सेकंड मेथड से, फर्स्ट मेथड उतारो, बन गया ना, क्यों बहुत आसान है, अब सेकंड मेथड से मैं बता देता हूँ, ये भी आसान है, तुम बना ही लियो, फिर भी मैं बताता हूँ ताकि सब तरीका तुमको आना चाहिए, यूनिटरी मेथड ऑफ केमिस्ट्री में तो बहुत ही यूजफुल होता है, लॉजिकल से ही बन जाता है। देखो पहले देखो जी, लिख ले सर बच्चे, चलो सुनो पहले की जो गिवन पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल इसको एन बोलो, क्या बोलोगे, एन, नंबर पार्टिकल बताओ कितना है, 3.011 10 का पावर 22, और ये जो तुम्हारा एन ए है, कोई बात नहीं सही कर देते हैं, एन ए तो जानते ही हो, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 का पावर 23 पर मोल। अच्छा पर मोल लिखने से क्या फायदा, देखो बताता हूँ, पर मोल बोलो तो आंसर यूनिट, आंसर जो आएगा उसकी यूनिट मोल में आएगी, इसलिए ये करेक्ट है, देख के पता चला, देखो क्या मैंने कहा, बोला था मोल निकाला ना, फॉर्मूला क्या पड़े, एन बाय एन ए, एन का वैल्यू 3.011 10 टू द पावर 22, यार 22 बोलने का आदत है मुझे, बताओ 6.022 10 का पावर 23, आइए पर मोल लिखूंगा ना यहाँ पे, अरे देखो ना यूनिट, नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी, बट ये नंबर तो नहीं है ना, ये तो एवोगाड्रो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की यूनिट होती है पर मोल, ओके इसको उठा लिया पर मोल में आंसर आएगा, अब काटो 3 × 2 = 6, भैया क्वेश्चन तो हो गया 10 का पावर 3, आइए मोल ऊपर चला जाएगा, तब हो गया 0.0005 आंसर, 0.5 फिर ऑलरेडी 3 × 2 = 0 इधर से, इतना मोल आ गया, आगे ना आ गया, तो ये सेकंड मेथड तो बहुत ईजी है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब उसमें कुछ और पूछता हूँ, पूछो, चलो देखते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, चलो ठीक है, अभी तो बेसिक दे रहा हूँ, अभी एक स्टार्ट कर रहा है, नहीं बनाओगे ना, जितना बनाओगे क्वेश्चन उतना कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, लॉजिक खत्म, समझ में आएगा, क्या मिटा दो इसको, मिस्टर बैक, समझ आ रहा है ना यार, ये बहुत ईजी है यार, इसमें क्या मिटाऊ, नोट कर लिया ना, करना है, मैं तो बैठा हुआ है तो सब शर्मा रहा है, नोट करो, काबिल नहीं बनो बता रहे, ये तो 100% श्योर समझ में आया होगा, है ना, कुछ करना ही नहीं है, देखो सिंपल सा बात है, पार्टिकल दिया होगा मोल निकल जाएगा, मोल दिया होगा तो पार्टिकल निकल जाएगा, पार्टिकल चाहे आइटम्स हो मॉलिक्यूल को, आपका क्वेश्चन देखो, एक
मेथड टू था, ये मेथड टू लिख लेना, छूट गया था, मेथड टू लिखना था, मैंने मेथड वन ही लिखा हुआ था। चलो अब मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, सब बच्चे का ध्यान आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, अब आया सर मजा, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, नहीं 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 बोलो, नहीं बोलो, गलत बात है, गलत बात है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.011 × 10⁻², ओके, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 गैस, व्हाट इज CH4 गैस, नेचुरल गैस, मीथेन गैस, ओके। चलो ऑप्शन दो क्या, ट्राई करो, क्या कुछ छठा होगा, ट्राई करो, 6 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा थोड़ा सा, ऑप्शन दे रहा हूं, ए बात कर रही हो तुम लोग, बट मजा नहीं आ रहा, चलो ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा, सोचो बिचारो बनाओ, पहले मोल निकालो, मोल निकालो पहले, सेम, चलो सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोल पूछ दिया है, किसका मोल पूछ दिया है, पहले बताओ मीथेन गैस है, इतना पार्टिकल है, पहले ये बताओ इतना पार्टिकल किसका है, मीथेन गैस का, यानी इतना मॉलिक्यूल मीथेन गैस का, तो उससे मोल निकलेगा, तो मीथेन का मोल निकलेगा, पहले मोल निकाल लो, चलो पहले मोल निकालो, कुछ भी करो पहले मोल, सबसे पहला काम करो मोल निकालो, क्या करो, मोल कैसे निकालोगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, भाग करना पड़ेगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप, 10⁴, और नीचे बताओ 6.022, 10⁻, कैंसिल करें, आइए 24 में 23 करना चाहिए, 10/2, 5 मोल, ये 5 मोल आया किसका बताओ, इन्हें देख करके आंसर, वाह पहला ही में 5 मोल दिया, वहां मार देना खड़ा, ऐसा नहीं हो गया, हम पहला ये सोच के दे देते हैं कि पहले ये सोचा जाए, जनरली ऐसा होता है, 5 मोल, ये तो मीथेन का मोल निकला, मीथेन के 5 मोल है, अब यहाँ अगर बोलता है कार्बन का कितना मोल है, 5 मोल, हाइड्रोजन का पूछता है 5 चुका 20 मोल, बट ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन का मोल है, अब पहले बताओ एक मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन, पहले चेक कर लो, कार्बन से बना हुआ है हाइड्रोजन से बना हुआ है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, समझे ना, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन 6 10, यानी एक मीथेन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, एक मीथेन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ना, तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ 5 में कितना हुआ, 10 बचे, चलो पहले लिख देता हूं, कैलकुलेशन कैसे करोगे, एक कार्बन के पास बताओ 6 इलेक्ट्रॉन, और 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 6 × 4 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो मैं लिख रहा हूं सुनना, एक मोल मीथेन के पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन है, किलो क्या बोलो ना, बोलो ना, ठीक है, तो 5 मोल मीथेन गैस के पास 5 × 50, आसान है ना, खत्म, प्रोटॉन भी पूछेगा तो इतना ही होगा, ठीक है, 10, हाँ प्रोटॉन भी पूछेगा तो, क्या समझा, अच्छा न्यूट्रॉन पूछेगा तो, न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन का कितना मोल होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो 12 प्रोटॉन है तो 12, 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होगा, लेकिन हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, किलो हो गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नोट करो, चलो नोट करो, ऐसा नीट सा क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, चलो मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूँ, मिटाओ इसको, चलो सबसे पहला काम करो मोल निकालो, मोल नहीं पता है तो मोल निकालो, क्योंकि मोल पता हो गया
सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, मोल ही सब कुछ को जोड़ता है। चलो अब मैं लिख रहा हूं, सुनो ना सब बच्चा, सातवां क्वेश्चन, सातवां पैसेंजर को बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं। हाउ मेनी, पढ़ो इसको, कलम्स नहीं, कलम्स नहीं, कुलम्स चार्ज। ट्राई करो, चलो ऑप्शन दो, अपन की तू अपन तेरा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। इसी मतलब क्या होता है, सी स्टैंड फॉर कूलम, चार्ज का यूनिट है। पहले क्वेश्चन समझे क्या, ये क्वेश्चन क्या जानते हो, एग्जाम में कई बार भरपूर करके आया हुआ है। सुनो ये सुनना, बताओ ए, पहले बताओ चार्ज का पूछ रहा, हाउ मेनी कूलम, चार्ज पूछ रहा, चार्ज। अगर तुमको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है, अलीजवेल अलीजवेल, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताओ। वैसे होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव साइन नहीं मैंने दिखाया, चलो खाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इतना होता है। अरे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना होता है ना, अब बोला एक मोल में कितना चार्ज होगा, तो एक मोल में कितना पार्टिकल, इतना, तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, तो एक मोल में इतना इलेक्ट्रॉन, तुमको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आंसर। तो बस मल्टीप्लाई तो करना यार, अब आंसर बताना ये कितना, कौन आंसर बता आपको लंबे, ट्राई करो। चलो हिंट कर दिया मैंने, चलो ठीक है। ए फट गया फट गया, मेरा पैंट एक को था बेचे में फट गया था, चलो कोई बात नहीं कोई बात, ओ, बात नहीं करो, मैं वैसे बताता हूँ, मैं बताता हूँ आंसर यही है। एंड मैं एक चीज बताऊँ तुमको, ये जो 96,500 कूलम है ना, दैट इज द प्रैक्टिकल लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, इसको फैराडे बोलते हैं, फैराडे फैराडे ना 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 फैराडे बोलते हैं, फैराडे, हाँ फैराडे इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, याद ना, हाँ। तो ये 96,500 कूलम, सुनो ना सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को पता है, मैं सॉल्व करूं, इधर नोट कर चुके हो ना, चलो सुनो सुनना, ये जानते हो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट इस चैप्टर का नहीं है, बल्कि सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं अभी करवा रहा हूं क्योंकि मोल अभी पढ़ा रहा, तो क्या बात का चक्कर, बात का चक्कर नहीं, सुनो ना, मजा नहीं आ रहा है, ए, 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 गलत बात। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इतना कूलम। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, इसको क्या करो, एक मोल में गुना करना पड़ेगा, रुको ना, एक मोल में, एक मोल इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है, नीचे लिख रहा हूँ, 6.022 × 10³³ इंटू मोल लिखो ना, पहले पर मोल, पर मोल लिखे नोट लिखना जरूरी है, बुका ना पड़े ना, चलो बाद में कर लेंगे, चलो ना था। उसके बाद कितना, -19 कूलम पर मोल, चलो रहने दो कूलम पर मोल, बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, अब तुम लोग झुट्टो अल्लाह तो कैलकुलेशन सिखा दो, देखो ना इसी को ना, बच्चे लोग डरता है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, केमिस्ट्री में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलता है, इसको 6 बोल देंगे, समझे, मैं तुम्हें कितना जल्दी करके दिखाता हूँ, टाइम होने लगेगा, 6 कर दिया मैंने, तुमको टाइम होने लगेगा आंसर, 96.6 × 10⁴ कर दो, 96,000, जबकि ये अप्रोक्सीमेशन ज्यादा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आंसर करीब इसके पास तो लग ही रहा, 96,500, 96,000 तो नजर भी आ रहा है, एग्जैक्ट तुम निकालोगे ना तो वो 96,500 आएगा। अब ना ना तुम्हारा काम है, हम अपना एकदम कम टाइम में बना दिया, ऐसा ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है नेटिव एनजी में ना, तो तुमको मैथ ना पूछता है तुमसे कंसेप्ट पूछता है, तो तुमको अगर ड्रॉप करते हुए चलोगे तो बहुत सवाल ड्रॉप फिर से बन जाता है, आस पास आंसर मिल जाता है, ठीक है ना, देखो कितना फर्क है, फर्क देखो कहाँ 96,000 और कहाँ 9600, तो आंसर ये ना होना है, 96,000 के करीब है ना ये, तो तुम निकालो ना ये एग्जैक्ट, तुम गुना करोगे इसको, एग्जैक्ट तुमको करना है ना गुना, एग्जैक्ट ये आएगा तुम्हारा 96487 इतना कुछ आएगा, इतना कुलम मैं बता दे रहा हूँ, इतना एग्जैक्ट आएगा इतना, तुम करके देख लेना, क्योंकि ये जो है ना ये वैल्यू भी करेक्ट नहीं है, 1.6022 होता है वो मैं बोल रहा हूँ, कुलम पर मोल मैं बोल रहा हूँ तुमको, लेकिन हम लोग इसको एग्जैक्टली करीब कितना लिखते हैं,
मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो आंसर आएगा 96,000 करीब करीब 500 कूलम पर मोल, कूलम पर मोल बोलते हैं इसको। ओके समझो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल कितना चार्ज है, इसको तुम्हें एक फैराड भी बोला जाता है, एक फैराडे। ओके दिस इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, लार्ज सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, कूलम तो ऐसा यूनिट होगी ना। आइए हम जान समझे बात को, सॉल्यूशन अरे बुझे तो आंसर ऐसे बन गया, वैसे अप्रोक्सीमेट करके हम लोग उसके पास समझ में आता है कौन आंसर हो सकता है, ये तो होना ही नहीं था, ये कहाँ 9,00,000 है यार, ये तो इतना छोटू सा तो होगा ना। आई देखो तो इधर 96,000 है, वो कहाँ 96,000 आया, तो क्या बुझे ना। ओके नोट करो नोट करो। ओके आ जाते हैं हम लोग, टुडे वी विल कवर मोलर मास, आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड मोलर मास। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके मोलर मास क्या होता है याद है तुम लोग को, एक मोल का, एक मोल किसको बोलते हैं बताओ तो, 6 पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा रिविजन कर रहा हूं, दिस इज स्पेशल फॉर यू। ओके 6.022×10^23 दिस नंबर इज कॉल्ड वन मोल, दिस इज अ काउंटिंग यूनिट। ओके जस्ट काउंटिंग जस्ट लाइक वन डजन मीन्स 12। ओके काउंटिंग यूनिट जस्ट लाइक दैट, वन मोल इज इक्वल टू 6.022×10^23 इस पार्टिकल को वन मोल कहा जाता है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर को हम लोग सिंबल में इस तरह लिखते हैं, देख रहे हो बाबू, इसको बोलते हैं 6.022×10^23 पर मोल, ये बोलना जरूरी है कि हर मोल में इतने पार्टिकल्स है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं उसकी यूनिट होती है पर मोल, पर मोल मतलब कि हर मोल में इतने पार्टिकल्स है, दो मोल होगी तो इसका डबल कर देंगे। ओके डजंट मैटर, अब एक चीज समझो, मोलर मास मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन कर रखा है, क्या होता है मोलर मास बताता हूँ सुनो, कि किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का किसी भी का एक मोल का जो मास होता है ना, एक मोल का मास, कितना मोल का मास, उसको बोलते हैं मोलर मास। अब तुमको पता होगा कि एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलते हैं, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिस इज नॉट दैट थिंग, ओके दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज द मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ एक एटम के मास को कहते हैं AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई, हिंदी बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको आजकल ये बोला जाता है, ये U, वन U भी बोल देते हैं ये, ओके यूनिफाइड मास, और इसका जो वैल्यू होता है ना 1.67 या 66 बोल सकते हो 10^-24 ग्राम्स, ठीक है, यही है वन U, एक एटम का मास, और एक एटम का मास ये एक यू है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन है, सबसे लाइटर एलिमेंट है, ओके तो एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बताओ, एक ही प्रोटॉन है सिंपल वाला में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोटियम, तो प्रोटियम वाला में एक ही सिंपल हाइड्रोजन, जैसे एच हाइड्रोजन हम लोग कितना हाइड्रोजन वन हो गया उसका एटॉमिक मास, और वन हो गया उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ही तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या क्लियर है। तो एक प्रोटॉन का मास इतना होता है, और न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही माना है, मान लो अप्रोक्स, तो अगर मान लो किसी एटम में 6 न्यूट्रॉन है 6 प्रोटॉन है, तो 6 कितना हो गया 12, तो 12U हो जाएगा उसका, कितना हो जाएगा 12U, 12U, जैसे कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होता है 6 प्रोटॉन होता है, इसलिए मास नंबर मैंने पढ़ाया था बेसिक में, तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12U, क्या चीज, अब व्हाट डज मीन 12U, दैट मीन्स 12 × दिस इतना ग्राम, 12 से गुणा कर दें इतना ग्राम, तो ये सिंगल एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास, तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U, ओके अब इसको तुमको मास में कन्वर्ट करना है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 1.67×10^-24 ग्राम, हो गया, ये हो गया तुम्हारा मास के, इसका कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का 12U, 12U बोलते हम लोग, ओके तो एक एटम, तो हम लोग जो काम करते हैं जो लैब में या किसी में करते हैं, तो हम लोग काम करते हैं कि एक पार्टिकल को नहीं कहा, एक पार्टिकल तो बहुत छोटी है ना, उसके साथ डील नहीं करते हैं, हम लोग डील करते हैं बहुत बड़े पार्टिकल के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, माने ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, ओके तो वो ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग किस में काउंट करेंगे, मोल में करेंगे, मोल हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो ये एक एटम का मास है 12U। अब मेरी बात सुनो अच्छा से, एक छोटी सी बात बता देता मैं, जब तुम यू को उल्टा करोगे ना, माने 1/U करो ना, 1/U ऐसे करके इसका इस नंबर का उल्टा करोगे ना, तो तुम किसके बराबर आएगा जानता है, ये तुमको NA के बराबर आएगा, मैं उल्टा कर देता मैं कि NA का उल्टा, NA का उल्टा 1U होता है, ये याद रखना, बस इतना ही याद हो काम बन जाएगा, कहो सर कैसे, माने इस वैल्यू को तुम उल्टा करो या इस वैल्यू को तुम उल्टा करो, उसका रेसिप्रोकल लो,
इसको तुम इसको एक में डिवाइड करो तो इतना आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देखना। तो एग्जैक्ट है, माने कि एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये याद रखना बस। ओके अब सुनो, अब एक चीज बताता हूँ, मोलर मास क्या होता है। एक मोल का मैं सिंपल एक लाइन में लिख देता हूँ, मास ऑफ वन मोल, बात खत्म, इतना एक लाइन में बस, इतना इतना मास ऑफ एक मोल का मास किसी भी चीज का, चाहे वो एटम का हो, चाहे मॉलिक्यूल का हो, चाहे कोई आयंस का हो, किसी भी पार्टिकल्स का हो, मास ऑफ वन मोल, एक मोल का मास। ये एएमयू क्या है, मास ऑफ वन एटम, एएमयू क्या है, सिंगल एटम की बात हो रही है, बट यहां पे ये मास कितना का, एक मोल का मास, चाहे वो एक मोल एटम हो, चाहे एक मोल मॉलिक्यूल हो, चाहे एक मोल आयंस हो, क्या समझे। तो एक मोल किसी भी पार्टिकल का मास मोलर मास कहलाता है, ठीक है। अब सुना अच्छा सा, अब एक मोल का मास जैसे मैं बोलूं कि बताओ मास ऑफ, अरे बताओ मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम कितना होता है, 12 U, मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम, कार्बन खाली वन कार्बन लिख देता हूं मैं, कार्बन एटम, एटम लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, कितना 12 U। पता है क्यों 12 U है, क्यों 12 U है, क्योंकि कार्बन के अंदर एक 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन का 1 U, एक प्रोटॉन का भी 1 U, तो टोटल 6 6 12 हो गया था 12 U, तो कार्बन का एटम मास क्या होता है 12 U, तो कार्बन के एक एटम का मास है 12 U। ओके अब तुमको बोला जाए कि कार्बन के एक मोल का मास निकालो, कितना मोल का मास निकालो, तो एक एटम का मास 12 U है, एक मोल में इतना पार्टिकल होता है, तो 12 को इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे निकल जाएगा, क्या समझ आया, बुझ रहे हो। तो अब मैं लिख रहा हूं मास ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहां पे मास ऑफ, थोड़ा आज फिर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल, वन मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम एक मोल का मास, तो कैसे निकालोगे, पहले होता एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, कितना पार्टिकल होता है, देखो पढ़े 6.022×10⁰, इतना पार्टिकल है मोल में, दिस नंबर इज वेरी मच लार्जर, ओके वेरी मच लार्जर, ओके। एंड ये हो गया तुम्हारा क्या चीज बताओ, ये वन मोल हुआ और मुझे एक एटम का मास कितना कार्बन का, कार्बन के एटम का 12, तो लिख दो 12 U, ओके। और ये तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर है, क्या है ये, इसको तुम लिख दो Na, लिख दे 12, यू किसका उल्टा होता है, यू को देख लो Na ग्राम लिख देना, इसको सीधा करके लिख देता हूं मैं, सीधा करके लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, 1/U, 1U इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम, तो ये Na ग्राम, Na Na कितना आंसर आया, तुम वैल्यू भी रख सकते थे, तुम चाहते सर ई वैल्यू को रखो, यू के बदले में वैल्यू ये वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करो कट जाएगा अपने आप, 12 ही बचेगा, समझ आ गया, टेंशन मत लेना, 12 ग्राम। अब देखो फर्क, देखो फर्क, कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 U है, लेकिन कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 ग्राम है, यही समझना जरूरी है, ग्राम ये सिग्निफिकेंट भी है, समझे, ये 12 ग्राम हाथ में पकड़ सकते हो, वेट कर सकते हो, इतना अच्छा है, प्रैक्टिकली तुम इसको फील भी कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, समझे, 12 ग्राम। तो ये कार्बन के एक एटम का मास है कि एक मोल का मास है, एक मोल का मास है, तो फर्क क्या, देखो एक एटम का मास कितना है 12 U, एक मोल का मास कितना है, तो जब भी ग्राम लिखा रहेगा ना तो समझना कि एक मोल कार्बन एटम का मास है, और जब भी 12 U लिखा रहेगा ना तो एक एटम का मास है, यही फर्क है दोनों में, जबकि वैल्यू दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, बट यूनिट क्या है, यूनिट डिफरेंट है, यूनिट डिफरेंट है इसलिए क्योंकि इसका मतलब अलग है, इसका मतलब सिंगल एटम का मास, यह एक मोल का मास, दैट्स इट, यही मोलर मास। अब एटम की बात होगी, मॉलिक्यूल की बात, लेकिन याद रहा कि मोलर मास हमेशा ग्राम में हम लोग निकालते हैं, ग्राम में मोलर मास, ग्राम में, ओके okay, अगर एटम का मास ग्राम है तो उसको ग्राम एटम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स को ही मोलर मास कहेंगे, मोलर मास तो है ही, मोलर मास तो जनरली बोलेंगे, मोलर मास एटम का मास ग्राम में, मोलर मास मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, मोलर मास, समझा तुमको, लेकिन अब मॉलिक्यूल के लिए अलग बोला जाता है, ग्राम एटम के लिए तो बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम जब एटम के मास को ग्राम में बोलते तो ग्राम एटम का मास बोलते, उसी को मोलर मास बोलेंगे, फिर बोलेंगे मॉलिक्यूल के लिए तो बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसको ही मोलर मास बोल देंगे, तो मोलर मास एक जनरल टर्म है, सबके लिए यूज होता है, मॉलिक्यूल के लिए भी और हाँ, तो कभी तुमको बोलेगा ग्राम ग्राम में दे दिया, समझ जाओ मोलर मास की बात हो रही है, एक एटम की बात नहीं हो रही बल्कि एक मोल की बात हो रही है, क्या ये समझ आया। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ओके अबाउट मोलर मास, मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर रखा है, क्या समझ आपको, तो क्या करो जिसका छूट गया ना पहले ये नोट कर लो अच्छा से स्टार्ट करके, जिसका छूट गया उसके बाद ये बात को अच्छा से नोट करो। अब मैं एक चीज बताऊंगा, जबरदस्त बात बताऊंगा, अब पहले नोट कर लो अच्छा से, नोट करो, चलो ठीक है आ जाते हैं मुद्दे पे। सो ये बात याद रखना, क्या बोला मैंने कि जिसको तार के पेड़ पे चढ़ने आ गया उसको खजूर के पेड़ पे चढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, सुनवाएगा
इसे ये तुमको सीखने में मिला गया, तुम्हारा गोल बड़ा होना चाहिए, छोटे गोल तो खुद ब खुद हो जाएंगे, रास्ते में मिल जाएंगे वो, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी बताओ मेरी बात गौर सुनना जो मैं बता रहा हूँ। इवल बताओ कार्बन का मोलर मास कितना आया था, अभी इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सुना सुना सुना। इवल बताओ कार्बन का मोलर मास कितना था, मोलर मास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोलर मास ऑफ कार्बन, वन कार्बन आइटम ना, चलो 12 ग्राम, ग्राम बोलेंगे, ये 12 ग्राम एक मोल का मास है, ओके। चलो अब मैं तुमसे पूछो, बताओ 3 मोल कार्बन का मास कितना हुआ, जल्दी बताओ, मोलर मास ऑफ, मैं मास पूछ रहा हूँ, मोलर मास, लेकिन याद ना मोलर मास हमेशा एक मोल के लिए डिफाइंड है, ये दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। तो हम 12 ग्राम ना बोलेंगे, हम लिखेंगे 12 ग्राम पर मोल, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, ओके। क्या बोलेंगे, जब भी हम बोलेंगे बताओ कार्बन का मोलर मास क्या है, तो बोलोगे 12 ग्राम पर मोल बोलना पड़ेगा, यानी एक मोल के लिए ही डिफाइंड है वो, क्लियर हो गया। तो एक मोल का मास पता चल गया 12 ग्राम, तो सिंपल बात है, जितना मोल का पूछेगा निकाल। अब मैं पूछ रहा हूं, बता मास ऑफ, अब मोलर मास ना बोलेंगे, जब 3 मोल बोलेंगे, 4 मोल बोलेंगे, 5 मोलर मास ना बोलेंगे, मोलर मास तो एक मोल के लिए है, ओके। तो मैं बोलूंगा बताओ मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, 5 मोल्स ऑफ, बता जल्दी बताओ क्या किया तुमने, क्या किया, एक मोल का मास तुमको पता है, अब 5 मोल बोला है, 5 मोल लिखो, यहां 5 मोल लिखो, चुपचाप ऐसे 5 मोल लिखो, और 12 ग्राम, 5 मोल लिखो और 12 ग्राम पर मोल लिखो, ऐसे मोल मोल आ गया, यूनिट सही से अगर सावधानी से यूज करो तो समझ में आ जाएगा, ये समझा। अरे यार एक मोल का मास 12 ग्राम है तो 5 मोल का कितना होगा, एक एक दर्जन में 12 केला तो 5 दर्जन में कितना केला, अब उल्टा बोल रहा हूं, 60 ग्राम में कितना मोल, कितना समझदार हो, 12 से डिवाइड कर दो, यानी मोलर मास से डिवाइड कर दो। अब यहां से एक फॉर्मूला बना देता हूं, फॉर्मूला बनाता हूं कि मुझे आप सुना, अच्छा देखो मोलर मास को मैंने डब्ल्यू से लिखूंगा, मैं बोल दिया मैंने डब्ल्यू से, किताब कुछ बुक में एम लिखा, लेकिन एम के लिए हम लोग कुछ और इस्तेमाल करते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मोलारिटी मोलारिटी सब पढ़ने वाले, तो सिंबल सब फिक्स है, तो सिंबल नहीं बना, सिंबल इसलिए बनाते ताकि काम आसान हो, लेकिन उसको पढ़ो सिंबल नहीं, नाम पढ़ो, हम ऐसा बोलते हैं। तो डब्ल्यू को मैं बोल देता हूं मोलर मास, क्या बोल देता हूं, मोलर मास, ये मोलर मास किस में होगा वो बताओ, यूनिट बताओ उसका, अरे मोलर मास का यूनिट बताओ, ग्राम पर मोल, ये याद है ना, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको सब इग्नोर करके चलता है, छोटी बात नहीं है, हो सकता है एग्जाम में यूनिट पूछा हुआ है, ग्राम मोलर मास का, मोलर मास का सॉरी, तो हो गया स्मॉल डब्ल्यू, मैं बोलूंगा स्मॉल डब्ल्यू गिवन मास, कितना मास, गिवन मास, ये ऑलरेडी क्या चीज में रहेगा हमेशा। और उसके बाद एन क्या है, बता एन क्या है, ये तो बोलना ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स, इसकी यूनिट होगी मोल, बस सिंपली मोल में रहेगा, कैच में रहेगा कितना मोल है, बुझ गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो मास दिया हुआ है, कभी मोलर मास कभी दिया हुआ नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी तुमको पता है, कार्बन का मोलर मास कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 16 ग्राम, किलो है ना, 16 ना बोलेंगे, ओ हो 16 ग्राम ये बोलना पड़ेगा, 16 ना बोलोगे हाँ गड़बड़ा जाएगा, 16 ग्राम, 16 यू तो हो जाएगा तुम्हारा एटॉमिक मास यूनिट, ओके एम यू हो गया, क्या समझे आपको, तो दोनों फर्क है, तो मोलर मास बोल रहा हूँ। अब सुना अच्छा से, 60 को तुमको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैंने बोला कि कार्बन का मास, मैंने बोला कि 60 ग्राम कार्बन में कितना मोल है कार्बन के, तो तुमने बोले 5 मोल, क्या किया 60 को तुमने उसके मोलर मास से क्या कर दिया, तो कार्बन के लिए मोलर मास 12, इसलिए 12 से डिवाइड किया, किसी और के लिए मोलर मास कुछ और ना होगा, तो सिंपल बात है, जो मास दिया रहेगा उसको तुम गिवन मास से, सॉरी मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप मोल निकल जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास स्मॉल डब्ल्यू बट्टा कैपिटल डब्ल्यू, थोड़ा तमीज रखना है इसको, स्मॉल डब्ल्यू इसको पढ़ोगे गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला हो गया, खुश खुश हो जाओ। अभी एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं मोल का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, पार्टिकल वाला में ये मास वाला में, क्या समझे आपको, अब इसको एक और फॉर्मूला यहां से तुम निकाल सकते हो, एक और फॉर्मूला क्या, कि अगर तुमको मान लो उल्टा मोल पता है, क्या पता है, अब मास निकालना, तो मोलर मास तो पता है, मोलर कार्बन का मोलर मास होता है 12, अब तुमको 5 मोल पता है, 5 मोल में कितना मास होगा, तो क्या कर दो 12 5, तो मोलर मास को गिवन मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही तो है, मल्टीप्लाई करो एन डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, मोलर मास, स्मॉल डब्ल्यू ये मास, मोल पता है तो मास निकल जाएगा, मास पता है तो हम तो भाई ये तो यूज ही नहीं करेंगे, हम एक फॉर्मूला से अपना सारा काम करवाएंगे, क्या बुझ गया। अब क्वेश्चन को आएंगे, यहाँ से थ्योरी तौर के लिखो इस थ्योरी को, तो अब सवाल करवाते हैं हम तुम लोग को, क्वेश्चन करवाते हैं, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो, ओके। देखो तो ये तो तुम्हारा हो गया स्मॉल डब्ल्यू मास
मास को रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन मास को, और कैपिटल डब्ल्यू मोलर मास को। मोलर मास तुमको दिया हुआ नहीं रहेगा, वो ऑलवेज तुमको पता रहेगा, नोन रहेगा। ओके, मैं मिट रहा हूं इसको क्या। चलो अब बात करते हैं, देखो मास से मोल निकल जाएगा, मोल से मास निकल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। चलो बच्चे मुंह से आंसर बताओ, एग्जाम्पल वन। चलो द मास ऑफ 2.5 moles ऑफ CO2 गैस इज व्हाट। ऑप्शन देके छोड़ दिया इज व्हाट, बस इतना ना देते ऑप्शन, जो मेहनत करना पड़ता मुझे बनाओ। जब अच्छा क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन खुद दे देंगे हम, तो वही डरावने वाला ऑप्शन देंगे। ट्राई करो, चलो ट्राई करो। ओके देखो बहुत सारे बच्चे बना लियो, 110 ग्राम। चलो करो, पहले एन दिया हुआ है, पहले सवाल बनाओ, पहले तो पहले सबसे पहले तरीका सुनो, गिवन लिखो। गिवन क्या होता है, एन दिया हुआ 2.5 mole लिख दिया। अब पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा, किसका मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं ऐसे लिखूंगा, अब थोड़ा सा सिंबल को ऐसे लिखूंगा, CO2 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, अच्छा लगता है मुझे। चलो ठीक है, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 होता है मास। अब आएगा मास का यूज, आप देखोगे तो 16 दो ना कहेंगे दो ऑक्सीजन, तो 2 × 16 44 ग्राम पर मोल, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल बात है, मुझे निकालना है मास, स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला लिख दो पहले, क्या होता है नंबर मोल्स बराबर गिवन मास बाय मोलर मास, एक ही फॉर्मूला यूज करो, सवाल बनाओ यहाँ सबको। डब्ल्यू चाहिए स्मॉल डब्ल्यू, तो एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ओके, अब एन का वैल्यू कितना है बताओ, 2.5 mole, और 2.5 mole को लिखो, और ये 44 ग्राम पर, 44 ग्राम पर मोल, मोल मोल कट गया अपने आप, ये 5/2 कर दो, 5/2 कर दो ग्राम, 22 × 44, 22×5 = 110 ग्राम, खत्म। क्या समझ आया, कितना इजी है। अब उल्टा हो सकता है कि मैं तुमको मास दे दूं, मोल निकालने के लिए बोलो दूं एक क्वेश्चन। चलो ठीक, इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, नोट करो जल्दी फटाफट। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये मास तो हो गया, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हो गया नोट कर लिया। ओके मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन तो मिटा दो ना, क्वेश्चन नया फॉर्म कर रहा हूं मैं। चलो हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH, okay, NaOH in 4 grams. चलो try करो, how many moles of NaOH in 4 gram? Try करो, चलो जल्दी। कभी 10 mole आ सकता है क्या? तुमने कैंसिल करने में गलती कर दिया। 10 mole तब होता है, NaOH का मोलर मास ही 40 ग्राम होता है। निकालो NaOH का मोलर मास, निकालो पहले मोलर मास निकालो। अब मोलर मास का अब यूज देख रहे हो, मास का अब यूज होगा, कहो सर कहाँ पर है, कब पर थे, अब यूज हो रहा है 23, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी कि 44 ग्राम पर मोल। चलो तो मोलर मास ऑफ जा ओ 40 मोलर मास ऑफ NaOH NaOH 44 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल बोल रहे ना, चलो हो गया। और तुमको मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल मास गिवन मास 4 ग्राम दिया हुआ है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, हो गया ग्राम ग्राम काटो, 4×40 1/10 मोल, यानी आंसर 0.1 mole। अच्छा मोल जब पता चल गया तो पार्टिकल भी पता चल जाएगा, पूछा जाएगा बताओ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 4 ग्राम, 4 ग्राम में कितना होता, पहले मोल निकालोगे, मोल निकल गया ना, अब इसको 0.1 को तुम क्या करो, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, काम बन गया अपना, खटाक सा नहीं अपना काम बन गया, क्या लॉजिक समझिए। तो मास से तुम पार्टिकल निकाल सकते हो, पार्टिकल से, लेकिन बीच में कौन करी जुड़ेगा, बीच में कौन है, मोल, मोल पहले निकालोगे, सबसे पहला काम करो मोल, तो एक क्वेश्चन था ऐसा
जस्ट सेम क्वेश्चन देते हैं, चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलो फाइंड द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, देखो 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 देखो, सबसे पहली बात सुनो, बात नहीं करो, जिसको जाना चल चल जाना जरूरी है तो ओके। देखो ये चीज देखो, सबसे पहले यह पार्टिकल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल से पहले मोल निकालो, क्योंकि मास निकालने की कोई भी चीज करने के लिए पहले मोल पता करो। मोल एक ऐसा कड़ी है जो सबको जोड़ता है, मास को भी जोड़ता है और पार्टिकल को भी जोड़ता है। ओके जल्दी जान दो। ओके देखो तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं मिटा रहा हूँ, पहले इस ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना। देखो देखो जी, देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे पार्टिकल, जैसे पहले पढ़ता हूँ, एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े हो, गिवन मास बाय मोलर मास, एक ही फॉर्मूला पढ़ चुके हो अभी, और पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। जब भी तुम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो मोल निकल जाएगा, तो मोल का फॉर्मूला पार्टिकल अगर पता रहेगा नहीं लगा दोगे, मास पता रहेगा तो देखो यहाँ पे कुछ पार्टिकल पता है ना, पार्टिकल पता है ना, तो फॉर्मूला लगाओ एन इक्वल टू गिवन मास गिवन नंबर पार्टिकल। ओके इतना, अब भाई एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022×10⁻²³ पर मोल, ये होता है मोल, अपने आप आ जाएगा। चलो कैंसिल करो, 3 × 6 और ये 25 में 23 का करना चाहिएगा, 10 × 2 100 हो जाएगा, 100 कर दो पर मोल ऊपर जाएगा, मोल पर जाएगा 50 आ जाएगा, 100 × 100 कर दो ना 50, डायरेक्टली कर दो 50 मोल, मोल पता चल गया 50 मोल। अब मोल जैसे पता चला मास तो निकाल ही जाएगा ना, मेन तो मोल ही निकालना था, तो हो गया। बताओ क्या पड़े, एन इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, हमको डब्ल्यू चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड द मास, तो हो गया डब्ल्यू एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू, एन का वैल्यू 50 मोल। अब मोलर मास इसका NaOH का निकाले, वो 23 से 16 39 41 चल 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल आ गया आंसर। मोल मोल कैसे, 50 से 40 गुना कर दो, 2000 ग्राम। क्या टफ क्वेश्चन था, उल्टा भी हो सकता है, देखो अभी मैंने पार्टिकल दे दिया तो तुमको बोला मास निकालने के लिए, उल्टा बोले मास दे दूंगा तो पहले बीच में किस पे पहुंचना है, पहले मोल पे पहुंचना, मोल पता हो गया सारा चीज पता हो गया, समझे, मोल निकालना है तो मोल निकालने के लिए दो फॉर्मूला, एक पार्टिकल वाला फॉर्मूला एक मास वाला फॉर्मूला, पार्टिकल दिया रहेगा तो ये निकाल लोगे, ये लगा दोगे, और मास दिया रहेगा तो अरे लॉजिकल भी सोच सकते हो, सोचो इतना पार्टिकल है, बताओ एक मोल में कितना होता है, बताओ कितना पार्टिकल को मोल बोलते हैं, 6.022×10⁻², इसको बोलते हैं एक मोल, बोलते हैं एक मोल ऐसे करके, बताओ बोलते हैं ना, अब एक बताओ इतना पार्टिकल, एक पार्टिकल को क्या बोलोगे, 1/इतना बोलोगे, इतना इतना मोल बोलोगे, यूनिटरी मेथड है ना। अब कितना पार्टिकल दिया हुआ है, 3.011×10⁻², मल्टीप्लाई कर दो 3.001×10⁻², डिवाइड करना ही पड़ेगा ना उससे, अरे करना पड़ेगा ना डिवाइड, तो निकल जाएगा फिर भाई 50 से निकलेगा, तो यूनिटरी मेथड लगाओ या फॉर्मूला लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मोल पे पहुंचना है तुमको, बस मोल पता चला, मोल से मास भी निकल जाएगा, मोल से पार्टिकल्स भी निकल जाएगा, चाहे मॉलिक्यूल्स पूछे चाहे एटम्स पूछे, क्या समझ में आ गया। और ये चूंकि ये मॉलिक्यूल है ना, इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास है एटम के लिए, ग्राम एटॉमिक मास बात तो मोलर मास था, सबके लिए इस्तेमाल, समझ में आ गया। 2000 ग्राम, तुम 2000 ग्राम का 2 kg लिख सकते हो, नोट कर लो, बहुत इजी है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन और दे रहे, रुको इसको नोट करो, चलो ट्राई करो इसको, ऑप्शन नहीं देते हैं, बना के देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम है ऑफ CO2 सैंपल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है, चलो ट्राई करो। पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे पहले, ओके। देखो 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 बाबू, देखो ना इधर देखो, सब इधर देखो, पहले क्या करो, देखो मास दिया हुआ है ना, पार्टिकल्स निकालना, पहले सबसे पहले काम करो मोल निकालो। अब बताओ मास है तो मास वाला फॉर्मूला लगाओगे, इससे पहले जो मैंने सवाल दिया उसमें क्या दिया था, पार्टिकल दिया था तो वाला फॉर्मूला लगा दिया, अभी मैंने मास दिया तो मास का फॉर्मूला निकाल के मोल्स निकालो, सुन रहे हो। देखो पहले मोल्स निकालो, क्या निकालोगे, एन इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास,
गिवन मास में कितना है गिवन मास बताओ 4.4 ग्राम। अब मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, अलग से निकालो, लो एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, क्या ऑक्सीजन है अभी निकाला 16 तो ना, कितना हो गया 44 ग्राम पर मोल। लो मोल अभी यूनिट बाद में लिख दो, ग्राम ग्राम कट गया 44 पॉइंट ड्रॉप काटो 44 है, 1/10 आ गया, ग्राम ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला गया, आ गया ये मोल्स निकला 1/10 यानी 0.1, चाहो तो 0.1 भी लिख सकते हो, गया मोल। अब मोल निकल गया तो पार्टिकल निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पार्टिकल मॉलिक्यूल निकालना, मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल्स, चूंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ना बोलेगा, हो गया तो फॉर्मूला लगा दो, फिर एन का फॉर्मूला कहाँ पढ़ो, बताओ कहाँ पढ़ो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, क्या चीज आप क्रॉस गुणा कर दो, एन इक्वल टू का आ जाएगा हमको कैपिटल एन इक्वल टू एन इंटू एन ए, एन का वैल्यू कितना निकला होता 1/10, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022×10⁻¹। ओके आज तुम 1/10 मोल लिखोगे ना अपने आप वो कट जाएगा मोल, यूनिट कट जाएगा, ओके 1/10 मोल, ओके और पर मोल तो कट ही जाएगा, इसका क्या होगा 6.10⁻³ पर मोल, पर कट ही जाएगा वो, और लॉजिकल है नौ भी तो वो यूनिट तो चलेगा, एक दस से कट जाएगा घट जाएगा 6.022×10⁻³ में एक घटा दो भाई, इतना पार्टिकल्स इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं और एटम पूछ दे दो कितने, एक कार्बन एटम है, एक कार्बन डाइऑक्साइड तीन एटम से बना हुआ है, एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम, तीन से गुना कर दो एटम मिल जाएगा, यार बहुत इजी बात है, तो बात समझ में आया, सिंपल सा बात है, जब भी मॉलिक्यूल पे जाना है या एटम में मास पे जाना है तो हमेशा पहले मोल्स निकालना है, मोल से कहीं भी जाया जा सकता है, मोल बीच की कड़ी है सब कुछ जोड़ता है, ठीक है वो समझो कि एक तरह का ब्रिज है, ये समझ जाओ, ओके क्लियर हो गया। तो और बेहतरीन क्वेश्चन सब तुमको मिलेगा, कब मिलेगा जानते हो, और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन करवाएंगे, बड़ा मजा आएगा, लेकिन ये तरीके से फॉलो होना चाहिए, क्या वो मोल का फॉर्मूला निकाल चुके हो, एक पार्टिकल वाला ऐसे ना, पार्टिकल वाला एक मास वाला, मास से भी मोल निकलता है, पार्टिकल से भी मोल निकलता है, मोल पता चला तो पार्टिकल भी पता चल जाएगा, मास भी पता चल जाएगा, बस ये याद रखना, बस हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वॉल्यूम वाला बात, मोलर वॉल्यूम कहाँ पढ़ने वाले, ओके यूनिट का ख्याल जरूर रखना, 44 ग्राम पर मोल, ये कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल निकलना है ना, तुम लोग का करना कुछ कुछ का मोलर मास निकाल गया, होमवर्क दे देगा सिर्फ मोलर मास निकाल गया, मोलर मास निकाल गया हो गया, चलो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, ये हो गया क्या सबको, नोट कर लो नोट कर लो, मैं कुछ होमवर्क देता हूँ देखता हूँ, हो गया बाबू नोट कर लिया, हो गया चलो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ तुम लोगों को, चलो देखो मैं कुछ तुम लोग का करना कुछ होमवर्क में, होमवर्क में क्या करना, मोलर मास निकाल निकालना, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ओके चलो नंबर एक सुनो ना सुनो ना सुनो ना, सबसे पहले ये तो CO2 को तो छोड़ेंगे नहीं हम, CO2 को निकाल लो, फिर से निकाल कर लाना NaOH, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट ट्राई करना, चौथा फिर बात कर रहे हो ऑक्सीजन गैस डाई ऑक्सीजन, मैं ये नहीं लिखूंगा O2 नहीं लिखूंगा डाई ऑक्सीजन लिखूंगा, तुम्हारा काम है इतना समझदार हो, ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन, चौथा डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन O2 का O2 डाई नाइट्रोजन डाई O2 हाँ, तो कितना एक ऑक्सीजन का 16 होता है दूसरा उतना 32 ग्राम पर मोल, हो गया मुंह से निकल गया, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये आगे काम आएगा, डाई नाइट्रोजन डाई क्लोरीन CL2 कैसे लिख देता हटा जा पचमा चौथा लिखो क्या पचमा छठा, चलो अब देता हूँ अच्छा क्वेश्चन, पहले से बना लेना ट्राई कर लेना, सातवा ग्लूकोज का तो नाम सुना ही है ट्राई कर लेना, आठवा बेंजीन का नाम सुने ट्राई कर लेना, सुक्रोज का नाम सुने हो सुगर सुगर, चलो निकल लेना हाँ चलो तुम्हारा काम है, अब सही है चलो ठीक, इसका बताओ H2O को कैसे भूल सकते हैं यार, इतना जल्दी H2O को, H2O को बाद में दिया है, इसका नाम सुने इसका नाम सुने होगा इसको कैसे भूल सकते हो, अच्छा इसका नाम तो सुने हो ना, इसका नाम हाँ सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा नाम बोलो तो बहुत बोलते तो अजय बोले तो इसका नाम बोले तो हाँ इसका भी नाम है फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते इसको चलो हटा रहे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड तो फॉस्फोरिक एसिड एसिड बोले तो सल्फेटस है वो फॉस्फोरस हो गया, चलो इतना हो गया हाँ काफ़ी इतना करके लाओ घर से करके लाओगे
कार्बन डाइऑक्साइड। और कोई कंपाउंड है जो फेमस कंपाउंड है जिसको भूल गया, जो फेमस है जो ज्यादा यूज होता है वो मैं देना चाहता हूँ, बाकी सब तो ये कल से मटर समझ लो हो गया, इतना काफी कर दिया, बहुत यूज होता है सब, जनरली यूज होता है, ठीक है। अल्कोहल भी कर सकते थे लेकिन छोड़ो कर दिया। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क केवल इसमें नहीं कि मोल निकालना पड़े मन से, मोल तब निकलता है जब मास दे रहा था, यहाँ पर केवल मोलर मास निकालना है। आज सब मोलर मास निकालने में बस क्या लिखा करना, ग्राम पर मोल लिखना। जैसे मैं एक एक निकाल के दिखा देता हूँ उनको, जैसे H3PO3 का PO4 का निकाले, निकाल के दिखाता हूँ, एक दिखाता हूँ, चलो ना एक 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 बता देता है, अच्छा रहता है ना कि बच्चा लोग थोड़ा सही रहता है ना, कि चलो बता दे, ऑनलाइन भी तो पढ़ रहा है ना, तो बच्चा लोग होता है कभी। चलो H3PO4 बनाओ कैसे, PO4 अब बताओ, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तीन हाइड्रोजन तीन से गुना कर दो, फॉस्फोरस का 15 होता है, मैंने बोला डबल से एक ज्यादा और है ना 31, और ऑक्सीजन का 116, 4 ऑक्सीजन जोड़ो गुना करो, 3 × 3 31, 3 34, 64 98 ग्राम पर मोल हो गया आंसर, ये मोलर मास खत्म। खाली अब लिखना ग्राम पर मोलर मास, क्या समझा, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू लिख दिया करके, हो गया कैपिटल डब्ल्यू मोलर मास। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 13 का सॉल्व कर दिया, उसी तरह सबको सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी है। ओके चलो ये बताओ, ये बताओ, ये मोलर मास जो है इसको तुम ग्राम मोलिकुलर मास भी, क्योंकि मोलिक्यूल है ना। चलो ठीक है, चलो तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर वॉल्यूम। ओके, इससे पहले हम लोगों ने मोलर मास के बारे में बात किया, किसके बारे में बात किया, मोलर मोल कंसेप्ट में हम लोगों का ये लास्ट सफर है, मतलब कि इस टॉपिक में मोल को समझने के लिए, मोल को निकालने के लिए। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मैं पहले एक चीज समझाता हूँ। देखो पहली बात, मोलर वॉल्यूम जो है गैसेस, गैस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, गैस से। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पहले, मोलर वॉल्यूम किसको बोलते हैं, वॉल्यूम है तो गैस की। खास बात यह है कि गैस को जिस कंटेनर में रखा जाएगा ना, तो गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर का वॉल्यूम माना जाएगा, क्या माना जाएगा, जैसे मान लो ये इतना, मान लो कि ये मान लो ये मेरे पास एक बर्तन है, ये एक बर्तन है वेसल से, इस वेसल का जो वॉल्यूम होगा ना, अगर इसमें गैस भरे हुए हैं तो इस बर्तन का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम जानते हो गैस की वॉल्यूम इनडेफिनिट होती है, पता है ना, समझो ना, गैस का शेप साइज वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। तो डेफिनिट इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, कि उसका पर्टिकुलर अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, अपना नहीं है, बल्कि जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसका वो जितना वॉल्यूम होगा वही का गैस का वॉल्यूम माना जाएगा, समझो। देखो, और तुमको पता भी है कि गैस का छोटा सा भी अमाउंट बड़े वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो अभी जो बात कर रहे हैं ना, अभी गैस के बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी जो बात कर रहा है गैस, हम लोग जो रियल लाइफ में जो गैसेस हैं उनको रियल गैसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, और हम जो अभी बात करने वाले हैं आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं हमारे। ओके, ये आइडियल गैस क्या है, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या बोले, आइडियल गैस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, बट रियल गैस को ही कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो आइडियली बिहेव कर रहा है, कहते हैं नो वन इन द होल यूनिवर्स इज आइडियल, दैट मीन्स परफेक्ट, परफेक्टनेस इंसानों के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ, बट दे ट्राई टू टेंस्ट टुवर्ड्स आइडियली। ओके, माने आइडियल बिहेव कर सकता है, माने आइडियल बिहेव करने की ओर जा सकता है, ये बोलते हैं। तो ये जो मोलर वॉल्यूम ना आइडियल गैस से रिलेटेड है, आपको सर आइडियल गैस का क्या कंसेप्ट है ये बाद में समझोगे, जब हम लोग चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ गैस के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। बट याद ना मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस के लिए, ठीक है। और इसे अभी ऐसे भी याद रखना कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए आइडियल गैस के बारे में ही चर्चा करना है, कि जो जैसे मैंने उसने एक क्वेश्चन लिखा था, PV = nRT पढ़ा था ना, सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल गैस ओनली। ओके, आइडियल गैस के लिए वैलिड है। अब आइडियल गैस क्या होता है, वो एजम्पशन है हमारा, कुछ उसमें अज्यूम करते हैं कि क्या क्या है। रियल में तो गैस रियल ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको हम मान लेते हैं कि आइडियल गैस भी, हाँ, माने कुछ कंडीशन को लेकर के। अब याद ना, गैस से रिलेटेड दो टॉपिक बहुत मायने रखता है, दो चीज़ें, वैसे तो और भी चीज़ें, नंबर ऑफ मोल्स भी आ रहा है, बट दो चीज़ें, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, वॉल्यूम भी रिलेटेड है, टेम्परेचर भी रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल्स भी रिलेटेड है, 5-4 चीज़ें हैं गैस को एक्सप्लेन करने के लिए, बट प्रेशर और टेम्परेचर बहुत मायने रखता है गैस के लिए, ठीक है ना। अब ये चीज समझो, मैं लिख रहा हूं तो याद ना कि मोलर वॉल्यूम हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, वैसे यहाँ पे मैं खाली गैस लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखो, सुनो, एक चीज लिखने वाला हूँ, मोलर वॉल्यूम किसको कहते हैं, मैं सिंबल में इसको VM लिखूंगा, क्या लिखूंगा, VM, ठीक है। अब सुनना अच्छा से, मैं पहले यहाँ पर लिखूंगा
एक चीज मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं लिखूंगा वन, ध्यान सुनना, मैं एक लैंग्वेज लिख रहा हूं, तुम लोग पढ़ लेना। वन मोल ऑफ एनी गैस अकुपाइज ओके अकुपाइज 22.4 लीटर्स वॉल्यूम अकुपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। मैंने एक लाइन लिखा, इस लाइन को समझो, किसी भी गैस का, मैंने लिखा एनी गैस, कोई भी गैस का एक मोल अगर लोगे तो उस एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कितना होगा? अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो ये कैसे का जवाब तो चैप्टर 5 में मिलेगा भाई, PV इक्वल टू NRT से, PV इक्वल टू NRT से, ये सर, ठीक है? अब तुम पुट कर भी सकते हो, प्रेशर की वॉल्यूम STP है, व्हाट इज STP? तो देखो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो बताता हूँ पहले, मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि गैस की जो वॉल्यूम है ना टेम्परेचर और प्रेशर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है? टेम्परेचर और प्रेशर से अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो उसको लॉस पढ़ने वाले वहां पे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, फलना ठिकाना, बहुत से लॉस सब है, तो चिंता नहीं करना, ओके? तो सिंपल लॉजिकल है कि अगर गैस को तुम दबाओगे, प्रेशर लगाओगे तो गैस की वॉल्यूम घटेगी, लॉजिकल है ना? टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैस का जो मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी मिलेगा, वो डांस करके आउट उड़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा, ऐसे कह सकते हो समझने के लिए, क्या समझ आपको? तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस की वॉल्यूम और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या समझ आपको? सुनना, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस की वॉल्यूम, यानी कि टेम्परेचर भी फिक्स रखना पड़ेगा, प्रेशर भी फिक्स रखना पड़ेगा, तब जाकर के अगर एक मोल गैस ले रहे हैं, कितना मोल ले रहे हैं? एक मोल, तो वो इतना ही वॉल्यूम होगा, या उल्टा बोलो कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है इतने वॉल्यूम अगर गैस का है तो उसमें एक मोल पार्टिकल होगा गैस का, एक मोल होगा, ठीक है ना? अब इसको समझो अच्छा से, अब तुम ये मतलब एसटीपी का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर लेना है 0°C, कितना डिग्री सेल्सियस? डू यू नो 0°C इक्वल टू इन केल्विन? व्हाट 27315 एग्जैक्टली केल्विन, एग्जैक्टली, बट ओके, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन करते हैं, 0°C को 273 केल्विन कहते हैं, मैंने पढ़ाया भी था शायद तुम लोगों को, ओके चलो कोई बात नहीं है, याद रखना अभी फिर आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो 0°C में 273 केल्विन होता है, कितना केल्विन होता है? 1°C में 274 केल्विन, सिंपल बात है। 27°C में 273 जोड़ो 300 केल्विन, मानी कि कभी भी तुमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाना 273 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, और उल्टा जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो बात क्या लगा? एक बात याद रखो, दुर्बात याद रहेगा, ठीक है? इसलिए समझ लो, हाँ चलो, तो 273.15 केल्विन हो गया एग्जैक्टली, रुको, ये टेम्परेचर लेना है। अब टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, बट ये जो वॉल्यूम है ना फिक्स, ये वॉल्यूम है जब टेम्परेचर इतना, ओके ये डिफाइन किया गया। प्रेशर लेना है 1 atm, कितना? हाँ, इसको बोलते हैं 1 atmospheric प्रेशर। अभी हम लोगों के ऊपर एक हवा का प्रेशर है, ये हवा हमारे ऊपर जो है प्रेशर लगा रहा है सब चीज पे, अर्थ पर जितनी भी चीज सब पे प्रेशर लगा रहा है, नॉर्मल प्रेशर जो लग रहा है ना वो कितना है? 1 atm, ठीक है? समझ रहे हो? अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोल्ड ड्रिंक में भरा जाता है, कोल्ड ड्रिंक में जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, सोडा वाटर, सॉफ्ट वाटर, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है जिसमें हम लोग कोका कोला पीते हैं, अल्ट्रा पेप्सी पड़ता है, तो जो कोका इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है, तो गैस जब कोई चीज़ में सॉल्युबल होता है ना तो उसमें प्रेशर उसको बढ़ा करके एकदम जबर से घुलवाया जाता है, ठीक है? सॉल्युबल होता है, तो आप सोचो कि 1 atm तो ऐसे लग रहा था तो घुल जाता है अंदर में, लेकिन घुलता नहीं होता जल्दी, नॉर्मल प्रेशर में ज़्यादा नहीं घुलता है, कम ही घुलता है, तुम जानते हो नॉर्मल प्रेशर में वाटर में ऑक्सीजन है थोड़ा सा घुला हुआ है ना, पता है ना? डिजोल्व ऑक्सीजन उसी का इस्तेमाल करता है कौन? फिश, मछली या एक्वेटिक एनिमल, के नॉट ओनली मछली, ओके, ठीक है ना? कोई भी एक्वेटिक एनिमल जो उसके अंदर है, प्लांट्स वगैरह जो भी है, ठीक है? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, इधर तुम लोग को पता होना चाहिए, तो मुझे तो थोड़ा मोड़ा आता जाता है, केमिस्ट्री में आया था, इसे पढ़ाना पड़ता है, चलो ठीक है। तो प्रेशर लगा करके क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोल्ड ड्रिंक के अंदर 1 atm से ज्यादा प्रेशर लगा करके अंदर उसको सॉल्युबल करवाया जाता है, डिजोल्व करवाया जाता है। तब तो देखते हो कि जब आप बताओ कोई भी चीज़, अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm,
अंदर में मैंने 5 ATM या 2 ATM मान लो 2 ATM डाल करके एकदम ठुसवा दिया इसको, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको पानी में घोल दिया, सोल्यूशन में घोल दिया। अब तुम जानते हो कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है 2 ATM है, बाहर का प्रेशर 1 ATM है। जब तुम उसको झमार देते हो तो उसको और चिल्ला देते हो, तुम चिल मारता है, खोलते हो पुचुक सा नहीं निकलता है, क्योंकि कोई भी चीज फ्लो करती है हाई से लो। पहले जो पढ़े हो हाई कंसर्ट लो कंसर्ट डिफ्यूजन फलना ठिकाना का पढ़ते हो, ऑस्मोसिस वगैरह सब पढ़ते हो ना। अभी पढ़ोगे 12th का टॉपिक है केमिस्ट्री में, पढ़ोगे ऑस्मोसिस के बारे में, वैसे सर पढ़ा दिए होंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, क्या बात समझ आया बात को मैंने क्या बोला मिस्टर, समझा? पढ़ा ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो बताओ। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला 1 atmospheric प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको? तो नॉर्मल प्रेशर जो एटमोसफेयर का यानी वायुमंडल का जो हमारे ऊपर एक नॉर्मल प्रेशर लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है हमारे ऊपर दबा रहा है, ठीक है, 1 ATM, सिंपल बात, 1 ATM। अब इसको कैसे कैलकुलेट करता नहीं करता सब थर्मोडायनेमिक का बात है, सब होगा डिटेल से होगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, ओके। बट अभी याद ना 1 atmospheric प्रेशर, वैसे इसकी यूनिट होती है पास्कल, तो इसका एक्जैक्टली वैल्यू जो बोलेंगे 1.01325 10^5 पास्कल, लो मैं एग्जैक्टली दिया हूं, लो ठीक है, करा लिख दिया 1,13,25 पास्कल होता है, एग्जैक्ट है, तुमने 9th class में ऐसे लिखा होगा, इसका इतना लिखा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, बट ये एग्जैक्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन। तो ये डिफाइन किया गया, कोई दिक्कत नहीं, एक क्या, हाँ वही होता है पास्कल, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर यही बोलते हैं पास्कल। यार कोई भी साइंटिस्ट का जब नाम आता है ना तो उसको सम्मान देने के लिए नाम दिया रखा जाता है, सिंपल, ओके। अब जैसे फोर्स है, फोर्स का न्यूटन होता है, क्या न्यूटन थोड़ी है, अब न्यूटन नाम लगाएगा, तुम जानते हो फोर्स के लिए मा होता है, फोर्स इज मा, मा फोर्स होती है, पता है ना फोर्स मा होती है, खाली इतना जानते हो मा, तो मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है फोर्स की यूनिट, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। बट इसको रिस्पेक्ट देने के लिए कहा कि फोर्स का स्टडी न्यूटन साहब ज्यादा किए, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इतना बड़ा काहे यूज करे यार, अच्छा है कि एक सिंपल एक वर्ड यूज करो, मैंने एक लेटर यूज करो न्यूटन, आज सम्मान भी दे दिया, एक तो सम्मान भी मिल गया, पर इसका बोलते हैं छोटा भी हो गया, लो और अच्छी बात है। तो तरीका होता है, तो सही मायने में न्यूटन बोलना ही ज्यादा उचित है, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में कभी दोनों तो रहेगा नहीं, जो दिया हो तो बेहुदा आदमी है, क्वेश्चन उसको सेट करने नहीं आता है कि दोनों दे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना बात को, लॉजिकल है, कोई एक चीज देगा, या तो इस फॉर्म में थे या इस फॉर्म में थे, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया, सो प्रेशर इज फिक्स्ड, टेम्परेचर इज फिक्स्ड, तब जाकर के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा जो ऑक्यूपाइज करेगा कंटेनर में, वो कितना कंटेनर में बुक ऑक्यूपाइज करेगा हमेशा, ओके। आइडियल गैस की बात होती है ये जनरली, ओके भाई, जब तुम बोलो सर इतना पूरा को भर लेगा तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैंने उसको कुछ डिफाइन किया है पर्टिकुलर कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से, ये तो ये कोई भी गैस, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे क्लोरीन गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे अमोनिया गैस हो, कोई भी गैस हो, मैंने लिखा 1 mole ऑफ एनी गैस, ये एनी क्यों लिखा मैंने, इसे तो लिखा एनी गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट एसटीपी, उसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी कर सकते हो तुम यहां से, जो मैंने बोला ना PV = nRT, सब कुछ पता है तुमको, प्रेशर पता है, प्रेशर रख दो 1 ATM, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना है रख दो, या वॉल्यूम निकालना है मान लो, वही प्रूफ करना है मान लो, तो पी रख दो, एन का वैल्यू 1 रख दो, आर का वैल्यू मैंने बता दूंगा कि कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 8.314, ये भी होता है, और इसका 0.81 बता देंगे, और टेम्परेचर का वैल्यू पता है, सबको पुट कर देंगे, और वॉल्यूम का वैल्यू उतना आ जाएगा, वो हम लोग प्रूफ करेंगे कहाँ, हाँ 5 chapter में डिटेल से, PV = nRT से आ जाता है, चिंता नहीं करो, ये समझ आ गया STP का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब ये टेम्परेचर फिक्स है, ये फिक्स है, एवोगाड्रो लॉ भी पढ़ते, एवोगाड्रो लॉ पढ़े हैं, एक और लॉ गैलस के लॉ, अवगाड्रो सब तो टेम्परेचर से रिलेटेड था, टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट बनाए थे, सेम ही चीज़ है भाई एवोगाड्रो लॉ, चलो ठीक समझ में आ गया अच्छा से, हाँ अब बोलो 1 mole गैस का वॉल्यूम कितना होता है, लेकिन ये फिक्स है कि एसटीपी है, एसटीपी बोलना जरूरी है, ओके। अब बताओ 22.4 liter में 1 mole है, अब आप सोचो वॉल्यूम पता है तो मोल पता है, या मोल पता है तो मैं बोलूं कि 1 mole का वॉल्यूम कितना गैस का एसटीपी पे 22.4 liter, मैं बोलूं उसी गैस का 2 mole का कितना होगा वॉल्यूम एसटीपी पे, 22 गुना करो 44.8 liter हो जाएगा, अब मैं उल्टा बोलूं कि एसटीपी पे 44.8 liter में कितना मोल होगा गैस का, 2 mole होगा, तुम बताओ मोल पता है तो वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता है मोल पता है, हो गया लॉजिकल, अब फॉर्मूला लगा देंगे वैसे बना देंगे वो फॉर्मूला, इसको इस 22.4 liter को मोलर वॉल्यूम कहेंगे, क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, मोलर वॉल्यूम को मैं एम से VM लिख दूंगा, सिंबल VM क्या लिख दूंगा, ठीक है सिंबल मैं बना रहा हूँ VM, इसका 22.4 liter, लीटर ना लिख करके लीटर खाली नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीटर पर मोल लिखेंगे, क्योंकि हर एक मोल का मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, डब्बा में पैक कर रहा हूं,
क्या समझ आया बात को? अरे क्लियर हुआ? एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, लेकिन एसटीपी कंडीशन पे ये बोलना जरूरी है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने से ओके मामला गड़बड़ा जाता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो वहां पे बात करेंगे कैसे कैसे निकालेंगे, बट अभी तो ये कवर करना है। पॉइंट समझ आ गया? आप चलो बात कर लेते हैं, करें बात। चलो क्या करेंगे, अगर मुझे मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम, वही बात सेम, अब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, फिक्स है, ये हो गया। लो अब मैं कंटेनर सुनो, एक कंटेनर में ये ले रहा हूँ, एक कंटेनर ये ले रहा हूँ, ओके चलो इसमें मैंने रख दिया O2 गैस, मैंने इसमें लिख दिया CO2 गैस, क्या रख दिया बताओ? इसका भी मैंने एक मोल लिया, इसका भी मैंने एक मोल लिया, इसका भी टेम्परेचर मैंने वही लिया, इसको भी STP पर लिया, किस पे लिया? इसको भी मैंने क्या चीज पे लिया? STP पे लिया, ओके। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर ही होगा, दोनों गैस का वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, चाहे कोई भी गैस हो, वो अलग बात है कि इनका मास अलग अलग होगा, मास बट वॉल्यूम चेंज, ये वॉल्यूम सेम है, क्या समझा आपको? सो मोलर वॉल्यूम फिक्स है, 22.4 लीटर फिक्स है, ठीक है, क्या समझ आ रहा है? चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, पहले यहाँ से ही कर लो। इका सर कैसे आ गया? मान लो कि मैंने बोला कि बताओ गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मान लो बोला 44.8 लीटर में कितना मोल होगा, तो क्या करोगे? 44.8 रखोगे, 22.4 से भाग कर दोगे, कितना मोल हो जाएगा? तो इसलिए बोले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वॉल्यूम पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, तो भी क्या बताओ, पहले बताओ भी क्या, गिवन वॉल्यूम, अब तो आदत हो गया होगा, दोनों तीनों फॉर्मूला है एक जैसा, याद है? गिवन वॉल्यूम दैट इज इन लीटर, दैट इज इन लीटर, एंड VM तो पता है, मोलर वॉल्यूम, ओके ये तो हो गया, हाँ लीटर पर मोल, यस लीटर पर मोल, चलो और बाकी तो एन, तो यार इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, नंबर ऑफ, ये तो बहुत पुराना साथी हो गया हमारा, ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? हाँ सो ये याद ना, STP बोलना लाजमी है, बगैर STP का काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वन मोल ऑफ एनी गैस occupies volume of 22.4 लीटर at STP, STP बोलना जरूरी है, ठीक है, यही बोलो, एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है STP पे, बस इतना याद रखना, उसी को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला है, मोलर वॉल्यूम से भी मोल्स निकाले जाते हैं, पहले रिलैक्स होकर पूरा उतार लो, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, अच्छा सा स्टार्ट करते हैं बच्चा वाले न्यूमेरिकल से, चलो नोट करो, खिसक गया था, ओके तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इरेज कर रहा हूँ, मिटाऊँ इसको बाबू, चाहे ATM बोलो चाहे पास्कल भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको ये याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कभी कभी इसके बदले में NTP बॉडी यूज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन थोड़ा सा उसमें STP में थोड़ा फर्क है, वो रूम टेम्परेचर लेते हैं उसमें कंसिडर करता है, 22.1 हो जाता है वहाँ पे चार्ज के बदले में, मैं 22.7 हो जाता सॉरी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन वाइज वो सेम हो जाता है वैल्यू, ज़्यादा बड़ा का फर्क नहीं है, ठीक है, तो अंतर है लेकिन STP NTP में, ठीक है, मिटाओ इसको, चलो एक क्वेश्चन लिखो, तो दबाव वाले पहले स्टार्टिंग करते हैं दबाव वाला क्वेश्चन से, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 1, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 गैस ओके इन 224 how many moles of 224 liter okay chalo option de dena sorry mole इतना ले रहा लिया ऑप्शन ओके आप बताओ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार बच्चा वाला क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया बताओ हाँ बहुत आसान क्वेश्चन क्या सोचे कर रहे हो अरे फॉर्मूला क्या था हाँ क्या बोले फॉर्मूला क्या था यहाँ लिख देता नंबर ऑफ मोल्स और गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम ये था ना
डेसिमल 2224 है तो डेसिमल क्यों रहेगा, 224 लीटर की बात हो रही है। हाँ तो फॉर्मूला क्या होता होता, एन इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय गिवन वॉल्यूम कितना है 24 लीटर, अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है लीटर लीटर कट जाएगा, पॉइंट रहेंगे ऊपर 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 224, 10 मोल आ जाएगा, मोल परसेंट नीचे से ऊपर जाएगा क्रॉस है। क्लियर कहाँ कुछ है, जो कि क्या है या बी जो कि गलत आंसर है, आंसर होगा हमको लग रहा था तुम लोग गलती करोगे। आई क्वेश्चन पूछा हुआ मजाक नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना हंस गया, पहले बोलना था मुझे ऐसा बोल दिया आंसर नहीं होगा, आंसर नन होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं लगाया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो, काम ही नहीं चलेगा, बर्बाद देगा पूरा, यही तो जानते हो ये नीट में माइनस 5 नंबर तुमको मिलेगा, एक तो माइनस 1 नंबर कटेगा तुम्हारा, माने कि निगेटिव पे वैसे गलत किया और एक क्वेश्चन छूटा उसके लिए मैंने चल लो गया कहाँ का माइनस 5 गया, 1 नंबर से कहाँ कहाँ रैंक में पिछड़ जाओगे समझेंगे नहीं, तो क्वेश्चन पे ध्यान दिया, एट एसटीपी बोलना बहुत जरूरी है, 22.4 लीटर वॉल्यूम जो तुम लिए हो वो लिए लेना तब है जब एस टी वी का कंडीशन होना चाहिए, तो पहली बार बच्चा देखता है खुश होकर के इनसे मारता है कि 10 लीटर, और ये समझ सोची भी सर हर बार पहली बार फंसा देते, इस बार दूसरा भी दे दिया चलो ठीक है, आंसर होगा डी जो कि रॉन्ग है ये, ठीक है। हाँ अब ऐसा कैसे होगा, क्वेश्चन मैंने दिया ना, क्वेश्चन तो है ना, एस टी पी नहीं दिया तो आंसर डी होगा, नन होगा इसका आंसर, वॉल्यूम के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स ही नहीं है यहाँ पे कुछ चेंज चलो आप देता हूँ बवा वाला क्वेश्चन, ठीक है जी आंसर लिख लो समझा। हाँ क्वेश्चन में अगर एट एस टी पी लिखा रहता, नॉर्मली जो बोर्ड एग्जाम में आता था एट एस टी पी लिखा रहेगा तो आंसर उसके हिसाब से फिर 10 मोल हो जाएगा, ठीक है समझा, ये है क्वेश्चन का, ये छोटी छोटी बातें होती है जो बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ठीक है तो ये आगे समझ में आएगा अहमियत, ये नहीं कि ये मैं अपने मन से बना दिया, क्वेश्चन पूछा हुआ है इवन एग्जाम में, ठीक है चलो ठीक है तो इसको मैं दूसरा क्वेश्चन दू लोअर लेवल का, चलो ठीक है लेकिन गैस की ही बात होगी अभी जो भी हो रही है, ठीक है चलो ठीक है हो गया बिटा रहा मैं बिटाऊं चलो चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू अब ऑप्शन नहीं देंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अब एट रैंडम क्वेश्चन बना रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस, चलो एट एसटीपी चलो निकालो, चलो क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ कितना आंसर आया, ऑप्शन भी मैंने दे दिया, ऑप्शन भी हो गया, चलो बताओ क्या आंसर होगा, लीटर लीटर लीटर, इसमें सब कुछ खुलम खुला लिखा हुआ है, एसटीपी लिखा हुआ है, खुलम खुला लिखा हुआ है, आंसर बताओ, पहले तो मोल निकालो, वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, मोल निकालो, सारा काम खेल है मोल का, मोल निकला सारा काम खत्म, कितना मोल निकलेगा जी, अरे कल पढ़ लो फॉर्मूला, बताओ इतना ईजी क्वेश्चन, एन का फॉर्मूला क्या ऊपर है, देखो एक पर एन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रो नंबर, एक पर एन का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है एक पर एन का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ये तीनों फॉर्मूला मोल का है, ओके जो भी चीज पूछना होगा चला जाएगा बात, तुमको क्या निकाला वॉल्यूम निकालना ना, मोल पता होना चाहिए, मास दिया हुआ है, जैसे मास दिया मास वाला फॉर्मूला लगा दो बोला, हाँ अब करेक्ट हुआ, इतना इजी, पहले मोल निकालो, पहले दो 8.5 ग्राम है तो गिवन मास बाय मोलर मास से पहले मोल निकालो, ठीक है तो बताओ अमोनिया का वाले मोलर मास निकालो, अमोनिया का मोलर मास मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अमोनिया का मोलर मास ऐसे कैपिटल डब्ल्यू होता है मोलर मास, स्मॉल डब्ल्यू होता है गिवन मास, है ना मैंने बताया था, तो हो जाएगा अमोनिया का 14 होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, 3 × 3 17 ग्राम पर मोल, क्या समझ में आ गया, हो गया, उसके बाद तुमका क्या करो, 8.5 ग्राम दिया हुआ है तो निकालो गिवन मास बाय
तो गिवन मास कितना 8.5 ग्राम, मोलर मास कितना 17 ग्राम पर मोल। अब सरे आठ दुना, सरे आठ दुना या 17 पंचे 85, 0.5, 0.5 यानी 1/2 कर दें, 1/2, 0.5, 17 पंचे 85, इतना मोल, यानी कि 1/2 मोल कर सकते हो इसको। हो गया, अरे हो गया, अब ये मोल्स निकल गया। एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है, एस्टिमेट दिया हुआ है 22.4 लीटर, आधा मोल का करना होगा, 22 का आधा कर दो, 11.2 लीटर, मुंह से बन गया। अब फॉर्मूला लगाओ, नहीं हो रहा था तो फॉर्मूला लगाओ, एन इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम ना चाहिए, मोल तो पता चल गया। तो रखो पहले एन का वॉल्यूम, एन का वॉल्यूम 1/2, भी निकालना है, मोलर वॉल्यूम 22.4, क्रॉस गुना करो 22.4/2, 200 काट दो, 11.2 लीटर हो गया आंसर। बहुत टफ है क्या, कैसे पहुंच में समझ आया? अब तो लग रहा होगा कि दर आ जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब तो मोल ही तुम्हारा एक ऐसा कड़ी है, सबको जोड़ता है, मास को, पार्टिकल को और वॉल्यूम को। ठीक है, क्या समझ आया तरीका? अगर फॉलो करो तो कुछ नहीं करने, याद करना पड़ेगा, तीनों फॉर्मूला तो एक जैसा फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, जिसको छूट गया नोट करो पहले। ये एग्जाम्पल थ्री है ना, एग्जाम्पल थ्री हो ना, चलो बड़ा इसको ट्राई करो। फाइंड द मास ऑफ ए, बना लिया, फाइंड द मास ऑफ ए, हाँ ठीक है, 22 ग्राम। ओके, जैसे वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, मोल निकालो, मोल के बाद मास निकल जाएगा, मास से उसका मास वाला फॉर्मूला लगा देना, सिंपल सा बात है, सब एक ही अप्रोच है, ट्राई करो जल्दी करो। देखो पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, मोलर मास मैंने कल निकलवाया सिखाया, मोलर मास था। देखो पहले, देखो जी हाँ, देखो समझो, बहुत सारा बच्चा बना लियो, वॉल्यूम दिया हुआ ना, जो भी चीज़ दिया हुआ पहले मोल निकालो, सबसे पहला काम मोल निकालो, वॉल्यूम दिया हुआ ना, कुंजी है, लीटर में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओ चुपचाप, एटेस्ट भी बोल भी दिया है तो झंझटे नहीं है, बोलना है उसको। ओके, तो क्वेश्चन देखो, एन इक्वल टू लिखो, गिवन वॉल्यूम बोलो कितना वॉल्यूम है, 2 लीटर लिखो, बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है, वो तो फिक्स है, वो तो पता नहीं, टेंशन नहीं लेना है, 22.4 लीटर पर मोल, ऐसे लिख दो पहले, 11 दुना 22, दुमर तो कट गया, 2 दुना 4, 1/2 लीटर, लीटर कट जाएगा, मोल पर चला जाएगा, आ गया। अब बताओ, मास ना निकालने के लिए बोला है, मास बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, पार्टिकल बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल बात है। ओके, मास बोल रहा था, एन का फॉर्मूला फिर लिखोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, स्मॉल डब्ल्यू बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब एन पता है 1/2, डब्ल्यू निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालो, एक कार्बन का 12 होता है पता होना चाहिए ना, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का 16 तो ना 44 ग्राम पर मोल, ये तो निकालने आना चाहिए ना, ये तो पता होता है। ओके चलो, तो एन का वैल्यू 1/2 रख दो, स्मॉल डब्ल्यू ना तो 44 ग्राम पर मोल रख दो, हो गया खत्म, ले जाओ आंसर, ले जाओ खत्म करो, तो 22 ग्राम आ गया आंसर, ऑप्शन में है भी। अब ऐसे भी सोचो, एक मोल का मास है 44 ग्राम, लॉजिक लगाओ, एक मोल का मास कितना है, तो आधा मोल का कितना होगा, लॉजिकल है, आसान है, दो तीन बार बनाओ समझो बात को, इसलिए नंबर निकल करवा रहे, बहुत आसान, कुछ ना होता है इसमें, आंसर तो मुंह से बन जाता है। एक और दे, चलो पहले इसको नोट कर ले, तो जिसका छोटा हुआ नोट कर ले, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, हो गया ना ये नोट कर लिया ये, चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, कैमरा क्वेश्चन होगा, चलो 4 नंबर, अब मैं देता हूँ क्वेश्चन, चलो अगर मास दिया होगा, वॉल्यूम पे जाना होगा तो फॉर्मूला, मास दिया होगा पहले तो मास का फॉर्मूला लगा के मोल निकालोगे, वॉल्यूम दिया होगा तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के मोल निकालोगे, सबसे पहला काम क्या करना है, मोल निकला सब कुछ निकला, अब पहले ही से मोल पता है तो यार तो सब कुछ पता चल गया, तो टेंशन ही नहीं है, समझ रहे को, अक्सर यही बात होती है, तो सब कुछ जोड़ने वाला कौन है, कड़ी मोल है, बस मोल समझ गए तो बस तुम्हारा मोल लग गया, समझ जाओ। तो मैं लिख रहा हूं, तुम्हारा मोल लग गया मतलब तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, चौथा, चलो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके मॉलिक्यूल्स इन वन पॉइंट 1.12 लीटर of CO2 gas. चलो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन देता हूं, हाँ एट एस टी पी ही बोलना, भूल गया, लिख देता हूं एट एस टी पी, ठीक है, चलो ये बोल दिया मैंने,
चलो फाइंड द नंबर ऑफ मोल मोल्स, मैं ऑप्शन लिखता हूँ पहले, जब तक क्वेश्चन सॉल्व करो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, ठीक है? ठीक है, बी बी आंसर, ओके और कोई बताओ, ऑप्शन नहीं दे दिया, जस्ट ट्राई, पहले क्या निकालना है, पहले मोल निकालो, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकालो, ठीक है, मोल निकालो 11.5, ये देखो मोल कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, कितना आया मोल, 1/20 आया होगा, ठीक है, 1/20 लीटर आया होगा, अब उसका मोल, एक मोल में तुम जानते हो कितना, 6.022 होता है, दूसरे भाग कर दोगे और 10 एगो कट जाएगा, 22 हो जाएगा, आंसर बी आंसर है, मुंह से आंसर है, आंसर बी, ओके समझ रहे हो, एक बार नब्ज पे हाथ रख लिए मोल के तो फिर मोल तो कुछ ना रहेगा। चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास, सॉरी कहाँ गया, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय 1.12 लीटर बाय 22.4 लीटर, पॉइंट रहा, देखो तुम लोग गलती कहाँ करते, देखो पॉइंट, देखो डेसिमल के बाद क्या अंक है बताओ, यहाँ क्या अंक है, चुपचाप एक और जीरो बैठाओ, चुपचाप किसी को बोलना नहीं है, अब इस चीज को काटो, काट दिया, अब 112 दुना 224, दो कट गया, एक जीरो बचा, कितना बचा, इतना मोल आ गया, एक 28 मोल आ गया। अब मुझे कुछ ही निकालना है, पार्टिकल्स निकालना ना, पार्टिकल वाला फॉर्मूला क्या है, चुपचाप, कोई ज्यादा काबिल नहीं बनना है, कोई अपना लॉजिक नहीं लगाना, जिसको नहीं आता है बिल्कुल बेसिक से, बेसिक से बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो फॉर्मूला क्या करते हैं, एन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो, एन का वैल्यू कितना निकला बताओ, चुपचाप रख दो, और एन निकालना है कब लेना है, एवोगाड्रो नंबर तो जानते हो 6.022 10 का पावर 23, चुपचाप इसको नीचे इससे ऊपर ले जाओ, हो गया, निकल गया सवाल, बन गया एन इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23, ओके बाय कितना है 20, एक 20 को लिख दो 2 10 10 से एक घट जाएगा, इधर से काट दो 3.011 10 एक का एक को काट दो 22, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या समझे, एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन समझ मैंने करवा दिया, चलो इसको नोट करो, चलो नोट करो, हो गया क्या, आसान है कि नहीं है, अब जरा भी दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को मोल में, बस खाली ये फॉलो करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल तरीका को फॉलो करो, फॉर्मूला याद रखो, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, अब मोल का 3-3 फॉर्मूला है, ओके, एक पार्टिकल के टर्म में, एक मास के टर्म में, एक वॉल्यूम के टर्म में, है ना, तो वॉल्यूम सबको, मोल तीनों को जोड़ता है, ठीक है ना, तीनों को जोड़ता है, तो बस ये तुमको ये कंसेप्ट याद रखना है, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, और क्वेश्चन सब मैं करवाऊंगा और अच्छा से, ठीक है, एक कंसेप्ट है छोटा सा मैं बता देता हूँ, भूल गया था मैं, क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, वैसे तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया, आप क्वेश्चन में तुमको यही तरीके का पूछा जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन पूछ देता है, कभी प्रोटॉन पूछ देता है, मोल सब ऐसे पूछ देता है, ओके चलो अच्छा क्वेश्चन आएगा फिर करवाऊंगा मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा, प्रैक्टिस ही करवाऊंगा लेक्चर में। अब एक चीज़ देखो, लेकिन ये जो मूल कंसेप्ट है ना तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, ट्वेल्थ में भी बहुत काम आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, इवन कभी कभी फिजिक्स में भी यूज होगा तुमको मोल, ठीक है, तो मोल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। एक टर्म होता है मैं बता देता हूँ, ओके मैंने बोला तुम लोगों को कि एक हम लोग पढ़े एटॉमिक मास और एक पढ़े एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास, क्या पढ़े, जिसको बोला जाता है मोलर मास। एक क्वेश्चन पहले करता हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना अभी, तो बताना आंसर क्या होता है, 25 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, 5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम उड वे, चलो ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन सुनो, ऑप्शन देता मेरे को, तुम लोगों को देखता हूं क्या करते हो, ट्राई करो तो इसको, मैं क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, चलो उड़ो 5U V 120 ग्राम सी 5 × 1.66 × 10⁻¹ kg एंड डी में नन, बताओ तो आंसर क्या होगा, पहले इसका आंसर बताओ तब समझेंगे, थोड़ा सा फिर तुमको भी तो समझ में आएगा क्या चीज़ है ये, चलो के जी −24 kg है ये 24, चलो ऑप्शन बताओ क्या आंसर होगा, उड वे मतलब समझे, 5 ग्राम मैग्नीशियम का एटम में कितना मास होगा, मास बोल रहा है, वे कर रहा है, वे मतलब तौलना, वजन करना, तो वे का करोगे, मास ही को ना करोगे, तो कौन आंसर मास में, मास तो ये भी है, मास ही भी है, कौन आंसर होगा, कितना होगा आंसर, जल्दी बोलो, बहुत इजी बात है, आंसर इसका होगा 120 ग्राम
देखो ना एटॉमिक, देखो ग्राम एटॉमिक मास है, 5 ग्राम एटम है, ग्राम एटॉमिक मास है, यानी कि मोल दिया हुआ है वो एक तरह का, तुमको समझना पड़ेगा। तुमको पता है मैंने बोला कि एटम का अगर मास ग्राम में दिया हो तो मोलर मास समझा जाएगा, मोलर मास है वो, ग्राम एटॉमिक मास है वो। क्या समझा तुमको, क्या बोला मैंने, क्या है वो, ग्राम एटॉमिक मास है। तो तुमको पता है कि ये 5 ग्राम एटम दे दिया है, मतलब कि 5 मोल दे दिया एटम का तुमको, समझा तुमको, 5 ग्राम एटम्स मतलब 5 मोल दे दिया। तब बोला 5 मोल में मैग्नीशियम के कितने मास होंगे, ये पूछ रहा है। तो तुमको जानते हो कि मोलर मास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मोलर मास, तो एन तो दे दिया तुमको 5 मोल, कितना मोल दे दिया, 5 मोल दे दिए, 5 मोल ग्राम एटम्स है, ग्राम एटम्स मतलब मोलर मास, बात खत्म, ठीक है ना, 5 मोल बोल दिया वो एक तरह का। अब बोला 5 मोल में कितना मास होगा, अब तुम बताया, तुम बताओ 1 मोल में मास होता है 24 ग्राम मैग्नीशियम, है ना, 24 बचे 120 ग्राम, खत्म सवाल। क्या समझे बात को, हम बोले थे ना कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, 120 ग्राम खत्म, समझे, ये छोटा सा बात बता दिया मैंने। अब बचा रहा सर 5U का भी होगा, मजाक हो जाएगा, ये 5U एटॉमिक मास हो गया, वो एक एटम की बात होती है, एक एटम की, और 5U है तो और मजाक हो जाएगा, 5 ग्राम एटम की बात हो रही है, 5 ग्राम में बहुत एटम होगा, सोच रहे हो, तो मोलर मास ही तो दिया हुआ, ग्राम एटम्स मतलब मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास यानी कि मोलर मास, ग्राम लगा हुआ है। अब एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बताता हूँ, उसको मैं मिटाऊंगा उसको, इसलिए मैंने बताया उसको, एक टॉपिक छोटा टॉपिक है, बस छोटा सा एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं एटॉमिक, एटॉमिक मास हम लोग ने पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना हम लोग, एक टॉपिक है, मैं मिटाऊं इसको, क्वेश्चन मिटाऊं क्या, क्वेश्चन नोट कर लियो, चलो एक क्वेश्चन देखो, देखो ये छोटी सा क्वेश्चन थी, छोटी क्वेश्चन थी, चलो एटॉमिक मास सुनो, एक होता है एटॉमिक वेट, अभी फर्क बताऊंगा दोनों में, बहुत बड़ा फर्क है दोनों में, एटॉमिक वेट, एक होता है ग्राम एटम्स या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, सुना सब बच्चा समझना, ये पढ़ चुके हो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राम एटॉमिक मास यानी मोलर मास पढ़ चुके हैं, 1 मोल का मास, ओके ये पढ़ चुके हैं एटॉमिक, एक एटम का मास यू में, इसकी यूनिट यू, इसकी यूनिट ग्राम, बताओ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलो 1U, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास बताओ 1 ग्राम पर मोल, यस पर मोल, तुरंत हाँ चलो कोई बात नहीं, ग्राम में लिखा आंसर, ग्राम एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास की बात हो रही है, 1 मोल ग्राम पर मोल, ठीक है चलो उसके बाद बोलो, चलो कार्बन का बताओ 12U, आइए 12 ग्राम, बस ग्राम, ग्राम पर मोल, ऐसे ग्राम खाली बोल लिख रहा हूँ मैं, ओके तो मैंने ग्राम पर मोल, पर मोल जो है ना वो अंडरस्टूड होता है, वो तो रहना ही है मोलर मास, ओके तो कितना बुक में नहीं लिखता है, बड़े ग्राम बोल देता है, चलता है, लेकिन यूनिट वाइज तो सही तरीका वो है। एटॉमिक वेट, अब ये एटॉमिक वेट का है, अब मैं एटॉमिक वेट लिखूंगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 लिखूंगा और इसका 12 लिखूंगा, सर कैसे डिफाइन कैसे किया गया सर, 1 और 12 लिखा जा रहा है, इसका कुछ तो डिफाइन डेफिनेशन होगा ना इसका, तो पहले समझना एटॉमिक वेट जो है ना, ये पहली बात ये याद ना कि एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होती, ये प्योर नंबर है, पहले क्यों यूनिट नहीं है रीजन बताता हूँ अभी, पहले समझाया, पहले ये बात याद रखना कि एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है, और एटॉमिक वेट सही में एक एटम का वेट है, लेकिन इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मैं लिख रहा हूँ इसको अलग से पढ़ाऊंगा, इसको मैंने मिटा रहा हूँ, मैं अलग से लिखा रहा हूँ, चलो अलग से मैं लिखा रहा हूँ, ये क्या है ये बताओ, ग्राम मैंने क्या बोला एटॉमिक वेट ना, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है बाबू, एटॉमिक वेट जो तुम लोग 9th 10th में डिफाइन किया था, एटॉमिक वेट ये क्या है बताओ, इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, अब रिलेटिव किसके कंपैरिजन, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास, जब स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने सोचा कि एटम को कैसे मेजर किया जाए, कैसे तोला जाए, तो बचपन वाले गाने ना सुने थे कि जो गांव में एक चच्ची आती थी खरबूज तरबूजा बेचने के लिए, क्या करती थी, बटखाड़ा ना रखती थी, तरबूजे को काट करके एक एक पार्ट पे तरबूजा से तोल देती, तरबूजे का तरबूजा को तरबूजे की हेल्प से तोल देती थी, रेफरेंस उसका तरबूजे हो जाता था ना, तो उसी तरह साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री में, केमिस्ट ने बहुत सारे रेफरेंस बनाया तोलने के लिए, ओके एटम को, तो किसी ने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना, किसी ने कार्बन को माना, समझे बात को, किसी ने ऑक्सीजन को माना रेफरेंस इस आधार पे, तो कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसको माना, या हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि RAM का चीज, रैम का चीज, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वाह वाह वाह, वो नहीं है ये, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, मैं इसको लिख रहा हूँ कैसे डिफाइन किया गया, सुनो किसी भी एटम का मास अगर निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है ना, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो उसको ऐसे डिफाइन किया गया, देखो द मास ऑफ एटम, यानी वो उस एटम का
एटम, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एंड किसी भी एलिमेंट का, ठीक है जी। एंड या तो ये लिखूं यहां पर नीचे में 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, या मैं इसी तरह बोल दूं मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ये भी चलेगा, ठीक है। कार्बन 12 का 12 प्रोटॉन होता है ना, कार्बन में 12 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो 12 यू उसका एटॉमिक मास हो गया, तो 12 से भाग कर दे एक यू आ जाएगा ना एटॉमिक मास यूनिट, तो हाइड्रोजन का एक ऑलरेडी है, एक प्रोटॉन होता है इसलिए ऐसा करता है, हाइड्रोजन लिख देता है, ये हो गया। अब बताओ मास इसका भी ग्राम में ये भी लिखोगे, ग्राम में भी लिखोगे, कट जाएगा नो यूनिट। अब ये बताएगा सर, जैसे मान लो मुझे निकालना है क्या बोलते हैं एटॉमिक वेट निकालना है हाइड्रोजन का, या मान लो कि ऑक्सीजन का, किसका निकालना, रुको, एटॉमिक वेट ये रैम बोलो या एटॉमिक वेट बोलो, ठीक है, अच्छा रहेगा एटॉमिक वेट निकालना, हटा एटॉमिक वेट, अभी मैं तुमको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मतलब समझ में आ जाएगा। चलो एटॉमिक वेट मैं बोलूँ, बताओ एटॉमिक वेट मैं बोलूँ ऑक्सीजन का, किसका कैसे निकालोगे एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन का पूरा लिखे देता हूँ, ओ लगता है कि ओ ओ, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ उस एलिमेंट का, ऑक्सीजन का वन एलिमेंट का मास बताओ कितना होता है, 16 U, और हाइड्रोजन का मास बोलो 1 U, कट गया कितना आंसर आया, इट इज प्योर नंबर। अब ये बता रहा है कि ये एक कंपैरिजन हुआ है हाइड्रोजन के एक एटम के मास से, बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16 ही बता रहा है कि 16 जो है, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 हाइड्रोजन के मास के बराबर, यही बोलो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 गुना भारी है, हैवियर है, समझे, रिलेटिव ये बताता है। अरे कभी भी किसी को कंपैरिजन करना होता है तो क्या करते हैं, कोई दो चीज में कंपैरिजन करते हैं तो बोलते हैं ये ज्यादा टैलेंटेड है इससे या ये कम टैलेंटेड है इससे, तो कंपैरिजन करने दो चीज होता ना, तो 16 आया, इसका मीनिंग हुआ कि ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के मास से 16 टाइम्स ज्यादा है, 16 टाइम्स इज हैवियर देन ओके हाइड्रोजन, समझो, तो ये रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास की कोई यूनिट नहीं होती है, ये बहुत ही मन की पते की बात बता रहा हूँ, पते की बात है ना, मजा नहीं कर रहे हैं, तो बोलने के लिए तो होता है एटॉमिक वेट का कोई यूनिट, क्योंकि इट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या समझ बात को, सो इट हैज नो वैल्यू, सब कैसे में न्यूमेरिकल वैल्यू तीन कैसे में, जब मैं बोलूँ बताओ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ तो बोलोगे सर सो एटॉमिक मास 16 U, मैं बोलो एटॉमिक वेट बोलो तो 16 और मैं बोलूँ सो एटॉमिक ग्राम एटॉम बताओ ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, तो वो मोलर मास हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया एटॉमिक मास यू में, और ये हो गया एटॉमिक वेट, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये बताएगा कि हाइड्रोजन की तुलना में 16 गुना, यानी 16 हाइड्रोजन का मास जो होगा वो एक ऑक्सीजन के एटम के बराबर होगा, ऐसे बोल सकते हो, क्या समझ आता है ना, जैसे मान लो कि तुमको पता है कि जैसे एक और एग्जांपल ले लो सोडियम का कितना होता है 23, भाई हाइड्रोजन का कंपैरिजन में 23 गुना भारी है, बस यही मतलब है, तो 9th-10th क्लास में हम लोग पढ़े थे ऐसा डेफिनेशन, बच्चा लोगों को समझ में आता है, छोड़ो रट दिया, तो एटॉमिक मास एटॉमिक वेट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, लिख दो इसको खत्म, बुझ गए, लिखो हो गया खत्म, छोटी सी टॉपिक थी बग दिया, बस फॉर द नॉलेज, वैसे ज्यादा जरूरत एटॉमिक वेट नहीं पड़ता है, एटॉमिक मास से अपना काम बनता है, एटॉमिक ग्राम एटम से मोलर मास से, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को, चलो ठीक है, तुम लोग का हो गया है, देखो आज प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन सब, देखो यहाँ पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देखो जी जिसको नहीं बना है उसको मैं बता रहा हूँ, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, सुनो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ 3.2×10⁵ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इतना, मास दे दिया है इतना एटम का मास इतना है, तो बोला है ग्राम एटॉमिक मास है, यानी मोल्स की बात हो रही है, ग्राम एटॉमिक मास का होता है मोल्स की बात हो रही है, मैंने बोला था ना जब भी तुम लगे ग्राम एटम्स बोलते हैं यानी मोलर मास की बात हो रही है, इतना समझ सकते हो ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स, ऐसे याद रखना, तो देखो पहले सुनो पहले ये पहले लिखो कैसे बनाते रहे जी, देखो कितना आसान क्वेश्चन, तुम देखोगे हंसोगे, यहाँ बनता हूँ, चलो सिंस 3.3×10⁵ एट इतना एटम का मास, इतने एटम का मास कितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ 8.0 को छोड़ो 10⁻¹⁸, कितना हो गया इतना ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास ही निकालना है, ग्राम एटम का मतलब ये हुआ कि मोलर मास निकालना है, अब बताओ यहाँ से एक एटम का मास निकाल लोगे, एक एटम का मास निकालो, सुनो हो गया 3.10⁵, इतना ग्राम क्या, अरे बोलो ना बन गया, आपको मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकाला, अब यहाँ से पॉइंट रहे हैं काटे हैं कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा ऊपर, आए 1 10 बैठा दो
तो ऐसे भी देखो, दस एक दस एक दस कट ही जाएगा, चार बचेगा और आठ में घटा दो, आठ चका कितना चार हुआ, आई दस का पावर पाँच, दस का पावर माइनस सत्रह हो गया, माइनस सत्रह अड़ी माइनस पाँच कितना हो जाएगा, अरे ये दस सत्रह में घट जाएगा ना, या एक दस काट दो, चार लिख दो यहाँ पे, लो अठारह और माइनस चार को दिक्कत, एक दस कट जाएगा, चार बचेगा, चलो ठीक है। अब बताओ कितना होगा माइनस बाईस, दस का पावर माइनस बाईस ग्राम, इतना आया एक एटम का मास, कितना एटम का मास, अब मुझे ग्राम एटम एटमिक मास पूछ रहा है, ग्राम एटम का मास यानी मोलर मास, क्या चीज, तो एक एटम का मास इतना आया, तो मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास, कितना मोल का मास, एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो, काफी है, अरे एक एटम का मास इतना है, तो एक मोल का मास कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया सवाल खत्म, हो गया। हेंस ग्राम एटमिक मास यानी कि मोलर मास बोल रहा है, तो यानी एक मोल का मास, कितना मोल का मास, एक मोल का मास क्या होगा, एक मोल से मोल, एक मोल का वैल्यू कितना लेते हैं, 6.022 × 10²³ और मल्टीप्लाई बाय 1/4 10 का पावर माइनस 22 मोलर मास, ग्राम पर मोल हो जाएगा ये, चलो वो अपने आप आ जाएगा, आंसर आ गया जो भी है। अब क्या करोगे, इसी 6.02 कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करना है ना, तो इसको 6 बोल दो, करीब फटाफट से सवाल बन जाएगा, कितना बोल दो, मैंने 6.026 बोल दोगे, तो अब बताओ ये 10 में 23 कितना बचेगा, एक बचेगा बटा चार कितना होगा, 60 है कि ना ऑप्शन में, ए चट्टा चोरी करके बोलता है, सही बोलता है, मारेंगे कितना बचा, बना भी लिया, बना ओके, एक क्वेश्चन और दें, चलो एक और क्वेश्चन खाते हैं, ओके पहले इसको नोट करो, चलो नोट करो जिसको नहीं बना, चलो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करो, ट्राई करो, ऑप्शन भी मैंने लिख दिया, चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, चलो क्वेश्चन दिख रहा है, बनाओ, ये क्वेश्चन वन हो गया सॉल्व, चलो टू ट्राई करो, सब बच्चे सारे बच्चे, तब तक मैं और डिलीट कर रहा हूँ, कौन कौन बना के दिखाता है दिखता हूँ, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके चलो क्वेश्चन टू यहाँ लिख दिया, हाँ पावर में माइनस टू है, आयन है वो, क्या है वो, आयन है, आयन उसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, चलो ट्राई करो, चलो ट्राई करो सब बच्चा, ओके इट्स माय टर्न नाउ, आंसर ओके, चलो इसको मैं गिन रहा हूँ, ये क्वेश्चन टू है, ये टू है, ये थ्री है, थ्री मत उतरना अभी, पहले क्या करो, पहले टू का सॉल्यूशन करता हूँ, करूँ क्या, चलो सबसे पहले तुम लोग मोल निकाले हो क्या, मोल पहले मोल निकालो, चलो पहले सुनो ये पहले ग्राम दिया हुआ, देखो ग्राम दिया हुआ ना, मोल कैसे निकालते, गिवन मास बाय मोलर मास, फॉलो फॉर्मूला हम लोग, गिवन मास कितना होता था 4.4 ग्राम, अब मोलर मास निकालो इसका, मोलर मास कैसे निकालो, दो ध्यान दो, कैगो कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 होता है, तो 12 दुना 24, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौका 64 और 12 24 जोड़ो 88, अब वैसे भी 44 सेंट दे रहा तुमको, 44 सेंट भी दे रहा है, अरे 44 सेंट दे रहा है, कैसे निकाले समझा, इसको अलग से निकाल लो, C2O4, इसका कोई मतलब नहीं माइनस का, माइनस का बाद में समझ में आएगा, अभी रुको इलेक्ट्रॉन में आएगा, तो 12 दुना 24, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का 16, तो 4 चौका 64 यानी 24 88 हो गया, कितना हो गया मोलर मास 88 हो गया, पॉइंट उठा दे, चलो पॉइंट उठाओ, नीचे 10 दे दे, 44 ना 1/20 नंबर मोल से आया, 1/20 आ गया, आप क्वेश्चन सुनो अच्छा से, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है पहले, कितना इलेक्ट्रॉन आया इसमें बताओ, आए ना गलती ये कैलकुलेट गलती की हो, इलेक्ट्रॉन कितना होता है देखो, घर से देखो, कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6, 5 बोल रहे हो, 12, 12 तो उसका एटॉमिक मास ना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, कैसे ना, तो इलेक्ट्रॉन 6, एक कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, कितना कार्बन आया होता है इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, मैं इसको अलग से करके दिखाता हूँ, ओके इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन देखो, एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन छह इलेक्ट्रॉन, कितना कार्बन है 2, चलो इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूँ, कैगो इलेक्ट्रॉन है, रुको कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन है, तो 8 × 32, ऊपर से 2 माइनस भी है, माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आया कि गया, आया होगा तब तो माइनस आया होगा, अरे कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस होता है, तो एक माइनस आता है, एक माइनस एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 2 माइनस तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया होता है, 3 माइनस तो 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो,
लो क्या टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 12 32 32 बार 44 46 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ एक में 46 इलेक्ट्रॉन थे, 1/20 में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे मोल में निकल जाएगा, मोल में इतना 1/20 मोल में, तो देखो आंसर हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा 1/20 × 46 मोल है ना, कितना मोल काटो 23.3 कर दें, मोल का मतलब कितना कितना पार्टिकल, एन ए पार्टिकल ना, को है कि नहीं, क्या जा है ही नहीं, कोई जान बुझ के आंसर हो गया बी 2.3 × Na, Na अवोगाद्रो नंबर, समझे कितना आसान है, ये समझे कितना है, ये तो कितना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही खाली बढ़ाना था, माइनस टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन आया होगा, माइनस थ्री मतलब दो तीन इलेक्ट्रॉन आया होगा। अच्छा क्वेश्चन नहीं बोला आप, चलो आप ट्राई करो ये क्वेश्चन, ये वाला तो ट्राई करो यार, ये बहुत बवा वाला क्वेश्चन है, अगर ये नहीं बना तो शर्म वाली बात होगी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, यार थ्री ट्राई करो, ट्राई करो। चलो कुछ बच्चों ने ए आंसर बना दिया, पहले सुनो सुनो, आप बात नहीं, आप बात नहीं, हो गया बाबू इधर सारा ली इधर दो, हो गया मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो, बोला किसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स होगा, दो जब भी पूछे मैक्सिमम कितना कितना मॉलिक्यूल होगा, किसमें एटम होगा, तो पहले सबसे पहले मोल निकालो, जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा एटम होगा, पार्टिकल ज्यादा होगा, मोल तो पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो पहले क्या करो, सुनो सुनो सुनो, CH4 का 16 ग्राम है, बोलो ना, तो CH4 का मोल निकालो, पहले क्या निकालो, गिवन मास, मोलर मास, गिवन मास, अब मोलर मास भी 16 नहीं होगा, कितना एक मोल। अब बताओ मिथेन में का, मिथेन का ना ये मतलब कि CH4 का ना एक मोल आया, बट एक मिथेन में कितना हाइड्रोजन है, इस CH4 में कितना हाइड्रोजन है, तो इसके एक में 4 मोल होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की बात हो रही है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो इसके एक में 4 हाइड्रोजन है, तो एक मोल में 4 मोल होगा, तो यानी हाइड्रोजन का कितना मोल हो गया, 4 मोल हाइड्रोजन, कोई दिक्कत किसी को, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ की बात कर लो, इसका C6H4 इसका क्या निकालोगे, गिवन मास, मोलर मास, गिवन मास कितना है, अब मोलर मास निकालो, 12 × 72 क्या हो गया, काटो काटो पॉइंट रहा उसको, 0.4 आएगा, अप्रोक्सीमेट कर दिया फटाक सा, नहीं देखो 31 × 66 0.4 आएगा, जब उतना उससे ज्यादा इतना जल्दी कैलकुलेशन करना ही नहीं, जब 0.5 करके कर दो, क्योंकि तो 76 × 38 होता, 38 × 76 होता ना, 38 के पास है ना, तो 38 होता था 0.5 होता क्या होता, और ये क्या बोलते हैं 38 थोड़ा सा कम है ना, तो 0.4 ही कर दो ना, लॉजिकल है बहुत ही से, हमें डायरेक्टली कर रहे हैं, तो बताओ अब बताओ एक में कितना हाइड्रोजन है, तो 0.4 में क्या होगा, 400 गुना कर दो, 400 गुना कर दो, जीरो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, 4 × 0.4 मोल हाइड्रोजन, मोल हाइड्रोजन, मोल हाइड्रोजन आइटम गुना कर लो, 1.6 मोल हाइड्रोजन, तो ये कम है, कितना जल्दी हो रहा है, देखो अब उसका ये वाला निकालो, चलो ये वाला निकालो, गिवन मास, मोलर मास, ये तो कितना आसान है, देखो C6 नहीं है, C12 ग्लूकोज सुक्रोज है, तो गिवन मास, मोलर मास, गिवन मास कितना है 342.2, ऐसा निकालो 342 ही आएगा, मैंने होमवर्क भी दिया था तुम लोग को, ओके 12 बड़ा है 144 जोड़ दिया, 0.1 कट जाएगा, 1/10 कितना 0.1। अब बताओ एक में देखो कितना हाइड्रोजन है, 22 हाइड्रोजन है, 22 गुना कर दो, 22 गुना करो तो 2.2 हो जाएगा, 22 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 22 गुना कर दो इसको 0.1 को, यार 22 को दो गुना करो 1/10 से, तो 0.2 ना, 2.2 ना होगा, बहुत आसान है, ओके चलो देखने से लग रहा अभी तक किसमें ज्यादा है, ये ज्यादा यही दिख रहा है, अब जो लास्ट भी देखिए लो उसको भी महाराज को देख लो, अब कोई बच्चा बोले सर ये तो 16 ग्राम है उसमें मोल ज्यादा का है, अरे इसका मोलर मास भी तो कम है, इसका मोलर मास देखो कितना है 342 है, बाप रे 342 है, सिंपल जिसका मोलर मास ज्यादा होगा ना, समझे उसको ऑब्वियसली इसमें मोल्स जो है तुम्हारे कम होंगे, जिसका मोलर मास कम होगा उसमें मोल्स ज्यादा होगा, और पर्टिकुलरली अमाउंट में सोचो तो देखो यार क्या है उसका 36 ग्राम है, क्या है बोलो ग्लूकोज ये ना, देखो चलो क्या करोगे, गिवन मास, मोलर मास 36 ग्राम ऐसा हो गया 180 कितना होगा, ये तो और छोटा है यार काट दो, कितना आया होगा 36 × 80 इतना मोल ग्लूकोज का आया, हाइड्रोजन की बात करो इसमें कितना हाइड्रोजन, 12 × 5 = 60 12 से गुणा करोगे 6 आएगा, कितना आएगा, जा गलती कर दी, ओ यार 0.2 होगा ना, 36 × 5 = 180 ना, 1/5 कितना हुआ, ये गलती हो गया, इतना ब्लंडर हो जाता, 0.2
टू, अब गुना कर दो, 12 दुना 24, 2.4। अब क्लियर, हाइड्रोजन की बात हो रही है, आप बता देखने से लड़ रहा है कि आंसर हो गया। ये कई बार नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ, कई बार नीट में जी में भर भर के आया हुआ। अब कोई सवाल में जानना होता है, केमिस्ट्री के सवाल में कोई जानना होता है, केमिस्ट्री से तो धुआं धुआं उड़ जाएगा। चलो इसको नोट करो, हम दूसरा क्वेश्चन लिखाते हैं, नोट करो इसको। ओके, ये सब ट्राई कर लिया, 4, 5, 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, सब ट्राई कर लियो। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ 3 को, 3 का तो बन ही गया था तुम्हारा आंसर। चलो 4 का आंसर तुम लोग क्या बनाए, 42 ग्राम होना ही है, कॉमन सेंस लगाओ ना 4 में। 4 देखो, 4 में क्या है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो एक मोल अमोनिया में एक मोल नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन भी पूछ रहा है, हाइड्रोजन पूछ रहा है, हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन की बात करो, एक मोल अमोनिया में सुनो, एक मोल नाइट्रोजन बोलो प्लस और 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन ना, तो 3 मोल में कितना होगा सोचो, 3 मोल अमोनिया में खुश बता दी, 3 नाइट्रोजन, कितना मोल नाइट्रोजन, 3 थिया 9 है मोल हाइड्रोजन, खत्म। अब बताओ, अब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का, तो 9 × 1 कहकर मोल से मास निकालते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 ग्राम, ये हो जाएगा 14 × 3, एक नाइट्रोजन 14 होता है, 14 × 3 42 ग्राम, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 3 = 42 ग्राम नाइट्रोजन एंड 9 × 1 यानी कि 9 ग्राम हाइड्रोजन। ऑप्शन देखो 18 ग्राम, ये तो होगा नहीं, पहले कैंसिल कर दो 42, ये आंसर हो जाएगा, और 9 होता तो इसी बहुत आंसर हो जाता, ठीक है ना, आंसर हो गया। आप पाँचवा बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, पाँचवा बना कि नहीं, चलो ट्राई करो, पाँचवा बनाओ, छठा बनाओ, टाइम दे रहा है, पाँचवा पहले बनाओ, हिंट करें पाँचवा में क्या, पहले सुनो, डेंसिटी दे दिया है, देखो पहले एक चीज़ वॉल्यूम दिया हुआ है, एक चीज़ वो डेंसिटी का किसी को फॉर्मूला याद है क्या, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। अभी देखो सुनो सुनो, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, क्या होती है, मतलब समझे, 1 ml में 1 ग्राम, 1 ml में कितना ml है यहाँ पे, 36 ml में 36 ग्राम, लॉजिकल है यार, इट इज़ वेरी मच लॉजिकल। अब फॉर्मूला वैसे लगा दो, डेंसिटी दिया हुआ कितना 1 ग्राम पर ml और m, अब वॉल्यूम दिया हुआ है 36 ml, क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना कर लो, कर लो, तुम्हें दिल की 36 ग्राम आ गया, आए तो बता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, वाटर की बात हो रही है तो वाटर का फॉर्मूला लिखो, अब मास ये सुनो, ये निकल गया, मास निकल गया, मोल निकाल लो यहाँ से वाटर का, वाटर का मोल बता कितना होगा, वाटर का मोल मास कितना होता है, 18 ग्राम, 18 ग्राम ना, 36 ग्राम में कितना मोल होगा, 2 मोल, वाटर का 2 मोल निकल गया, अब प्रोटॉन काउंट करो आप, चलो आंसर बताओ फटाफट, आप बताओ बनना चाहिए, प्रोटॉन काउंट करो ना वाटर में, अरे बहुत आसान है, हो गया ना, बोले मास निकल गया ना, कभी भी डेंसिटी दिया रहे ना तो वॉल्यूम दिया रहेगा तो मास निकल जाएगा, मास दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, बस सिंपल सा बात है। 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का ये डेंसिटी होता भी है, 1 ग्राम पर ml याद रखना, वो हमेशा 9 भी बोले थे 1 ग्राम पर ml ले लेना, टेम्परेचर मेंशन करे तो ठीक है, वो दिया रहता है, ऐसे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। चलो एक सुनो, तो मास मोल्स निकाल लो, गिवन मास बाय वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, निकालो 2 + 16 = 18, काट दो, वाटर के कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। अब बताओ वाटर के 1 हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 × 2 = 10, टोटल प्रोटॉन हो गया 2 + 8, प्रोटॉन निकालने के लिए बोल रहा है तो 10 हो जाएगा प्रोटॉन, चलो प्रोटॉन निकाल लो, तो हो गया प्रोटॉन का, तो 1 2 मोल ले आ, 1 में 10 है तो 2 में 20 मोल, तो 1 मोल में, 1 मोल H2O में 10 मोल प्रोटॉन है ना जी, तो 2 मोल में 10 × 20 मोल प्रोटॉन है, अब मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, कौन आंसर हो गया, सी। अब उसके बाद छठा बनाओ, छठा देखो, सिक्स नंबर देखो, 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन करो, हो गया, ओके चलो हो गया होगा, बहुत ही आसान है, देखो बताता हूँ मैं, कौन 6 ना, देखो जिसको नहीं समझाते वो मैं समझाता हूँ, देखो ना, देखो ना पहला क्वेश्चन में ए में क्या है बताओ, 1 ग्राम ऑक्सीजन O2, अरे O2, तो 1 ग्राम का मतलब क्या, मोल निकालो, पहले कभी भी एटम या कुछ निकाला मोल निकालो, पहले हर काम मोल से करो, मोल जरूरी है, गिवन मास भाई, तो गिवन मास कितना, एक, एक, दो मास कितना है,
एक मोलर मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है 16 इतना 32, इतना मोल O2 हुआ, ये O2 का मोल हुआ। मुझे एटम की बात करना है, एक ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन एटम है, दो ना, बताओ O2 का 1/32 मोल है O2 का, तो O का कितना होगा, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक ऑक्सीजन में दो है, एक ऑक्सीजन में माने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, तो दो से गुना कर दो, क्या समझा। अरे जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, बताओ यहां 5 O2 है, कितना O2 है, तो मैं बोल 5 O2 के मॉलिक्यूल है तो कितने एटम है ऑक्सीजन के, 5 × 10 10 एटम है ऑक्सीजन एटम, तो वही डबल करना पड़ेगा, 1/32 है ना, तो उसको डबल कर दो, कहते दो ऑक्सीजन है, क्या डबल करो, तो एक दो से गुना कर दो, 2/32 काटो 1/16, 1/16 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। चलो अब बात करते हैं ये दूसरा वाला भाई, इसका ऑप्शन दूसरा दो, गिवन मास और मोलर मास करो, गिवन मास और मोलर मास कितना होगा, 16 × 48 O3 है, ओजोन गैस है, तो 48 करो, इतना मोल O3, ये O3 हुआ, 3 ठो आएगा में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, काटो 1/16, ये आंसर आएगा ऑक्सीजन एटम, दोनों में 1/16 ऑक्सीजन एटम सेम है, मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, मानी एटम भी क्या होगा, सेम होगा, और वो करो ना वो नहीं होगा, ये होगा पहला आंसर, पहला आंसर बन गया, पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास, नाइट्रोजन का होता है 14, एक का 2 और 14 14 × 28, अब ये इतना मोल N2 हुआ, इतना मोल N2, दो मोल दो नाइट्रोजन उसमें काट दो, 1/14 N एटम, इतना मोल N एटम, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा उसका देखो, 2 ग्राम तो गिवन मास दो और नाइट्रोजन का 14 लिखेंगे, ओके 1/7 मोल N, ये तो अकेला ऑलरेडी N है, बड़ा बड़ा ही नहीं है, तो आंसर बोला कौन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ मेंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, हो गया आंसर, ये पहला आंसर सेम एटम है, बहुत ईजी है कि नहीं है, कुछ नहीं सवाल में है, तो चुटकी में बन रहा है, समझ रहे हो, प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर चुटकी बनेगा, मजा आएगा, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के साथ खेलोगे तुम लोग का जो है ना, फाइनली जो एम होना चाहिए ना, बोर्ड ना होना चाहिए 11th में, ठीक है, इसलिए वो अलग रिकॉर्ड होता रहेगा ना, तो सुन लेगा बच्चा है ना, तो फाइनली एम क्या होना चाहिए, बोर्ड नहीं होना चाहिए, आगे जाकर के कंपटीशन होना चाहिए, तब मजा आएगा, बोर्ड तो कुछ नहीं कहते, बोर्ड हम ना बोलते हैं कुत्ता बिल्ली पास कर जाता है तुम लोग तो पास करिए, यही लोग जो ऐसे पास करेंगे इस बार गॉड गिफ्टेड है, मिल गया ऊपर वाले से हाथ लड़ा है, हे अल्लाह ताला दे दे, यही चुट्टा आसिफ का दुआ कबूल हो गया सीबीएसई वाले को फिर ये मिलो लुटा दिया गया बेटा इसको चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली जो बोर्ड बोर्ड तुम्हारा है 11th में क्या करना, एनसीईआरटी का मैंने कम से कम एनसीईआरटी से जरूर 100% कंप्लीट करना, ठीक है 100% कंप्लीट करना। अब मैं बताते जाऊँ, गाइड करते जाऊँगा, जिस बच्चे को एकदम शौक रहेगा स्टार्टिंग से, कहे कि 11th में मैंने बहुत कम बच्चों को देखा सीरियस रहते हुआ, अब जितना कम बच्चा सीरियस रहेगा पढ़ने वाले बच्चों का काम उतना आसान होगा, जब मजाक ना कर रहे हैं कॉम्पिटिशन से उतना एक बच्चा घट जाएगा, उतना बच्चा घट जाएगा, मजाक ना कर रहे हैं, तो ये 11th में थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है ना, हाँ दोस्त है हेल्प करो जितना सपोर्ट करना करो, लेकिन इस पढ़ाई के मामले में सेल्फिश होना पड़ेगा, तो जितना 11th में जितना कम पढ़ेगा कोई बच्चा, तुम समझो कि तुम जितना पढ़ना चाहते हो तुम्हारा काम और आसान होगा, जाकर के मजाक ना करें, तुम रैंक में आगे बढ़ोगे, ये सब पॉजिटिव सोच है तुम लोग ट्राई कर चुके हो, ओके चलो मेरी बारी है, इट्स माई टर्न नाउ, ओके क्वेश्चन शुरू, पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैंपल घेर देता उसको, सैंपल एक सैंपल है बर्तन है, ओके उस सैंपल में 200 एटम हाइड्रोजन का है, कितना हाइड्रोजन का कितना एटम बताओ, 200 एटम है, एटम ही निकालना टोटल लास्ट में तो क्या बोला अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टोटल एटम्स, उस कंटेनर में इतना हाइड्रोजन है 200 एटम्स हाइड्रोजन के, इतना ग्राम एटम नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन कितना है 0.05 ग्राम नाइट्रोजन, तो ग्राम का होता है, ग्राम एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल मोल्स ही तो होते हैं, तो हो गया 0.05 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अब इसको तुम कन्वर्ट करो एटम में तो मोल को क्या करोगे, एन से मल्टीप्लाई कर दे क्या, इतना एन से मल्टीप्लाई कर दे, इतना पार्टिकल है नाइट्रोजन के, इतने पार्टिकल है इसको, अरे यार 0.5 ग्राम एटम्स है नाइट्रोजन के, तो ग्राम एटम्स को मोल ही तो कहते हैं, तो मोल है तो सीधे 0.5 मोल कर दो, अब मोल को एन से मल्टीप्लाई कर दो 6.02×10^28 कर देंगे बाद में। दूसरा देखो एक और क्या है, ऑक्सीजन का कितना आइटम है, कितना ग्राम है, इतना ग्राम ऑक्सीजन आइटम है, हाँ तो इसका भी कितना लोग 10^-12 मोल, यानी कि 10^-12 एन लिखते हैं,
टोटल एटम जोड़ दो, टोटल एटम ने बोला है ये एटम ये एटम ये एटम तीनों को जोड़ दो, ओ माइनस 20 है सॉरी, ओके ठीक है। कहाँ यहाँ हो जाता है। अब सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दे सबको, ऐड कर टोटल एटम, कौन एटम, टोटल एटम। चलो तो पहला होता, पहला कितना 200 प्लस 0.005 Na 10 का पावर माइनस 20 Na, ओके। अब बताओ इसको कैसे जोड़ोगे, देखो तो डर लग रहा होगा बड़ा डरावना है, लेकिन हम इसको आंसर लिख देंगे 0.05। चुपचाप छोड़ दिया, बताते हैं ये Na जो है बहुत बड़ा वैल्यू है, कितना Na कितना होता है पावर प्लस में, आई माइनस बी से कितना छोटा एटम होगा जानते हो, कितना कम एटम होगा, मैंने इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है यार, कितना अरबों खरबों है, एक करोड़ भी होता है, एक करोड़ के आगे 200 का कोई औकात है, एक करोड़ में 200 जोड़ोगे, कोई आदमी करोड़पति है उसको 200 रुपया रोड पर गिरा हो रहेगा, और जो रोड पर जा रहा होगा और क्या बोलते हैं लाखों का डील करने जा रहा है, वो 200 रुपया उसको उठाएगा, उतना करोड़ कमा लेगा। तो सिंपल सा बात है, एक समुद्र में से एक गिलास पानी उठाओगे समुद्र को ज्यादा फर्क वही है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है, ये माइनस 20 है बहुत छोटा है, इसको तो ऐसे ही इग्नोर मारो, जोड़ने के तो फर्क आई बेचारा 200 का था औकात ही नहीं इसके बगल में, है ना। तो आंसर क्या लिख दोगे जल्दी बताओ, यही आंसर आ गया, नन कैसे हो जाएगा, ए गलत बात, नन नहीं करो, है ना, देखो आंसर आ जाएगा, इसको लिखते हैं 5×10 का पावर 5 बेटा 100 कर देगा इसको, ओके इसको Na को बोलो 6 लिख दे अप्रोक्सीमेट, 10 का पावर बोलो 6×5 30 एगो 0 0 कैंसिल, अरे बोलो ना 1×10 कर जाए कितना होगा, क्या इसने कैसे किया, अरे 5/100 कर दिए हैं, ये 100 रुको ना 100 30 हो गया 30/100 10 का पावर 23 वो 6.022 लिखने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने के लिए, एक जरूर कट जाएगा 3×10 का पावर 23 हो गया, अप्रोक्सीमेट बोल भी रहा है ना, अप्रोक्सीमेट समझे आपको, इतना आइटम है कि उसके कंपैरिजन में ये सब बेचारा सब कुछ और, इसलिए ये समझा है कैसे किया गया, ये कंसेप्ट है कि यहाँ पर इस इनको जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो देखिए डर जाएगा कैसे जोड़ना है केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, मैथ का क्वेश्चन नहीं कि जोड़ के तक दिखाना है सबको। अच्छा एक क्वेश्चन ट्राई करो, खत्म हो गया आज, एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये ट्राई करो क्वेश्चन लिख चुके तो ट्राई करो, चलो ठीक है ये क्वेश्चन को तुम ना तुम लोग क्या करना, इसका थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, हिंट कर दे कि बना लो क्या, हिंट कर ही देंगे बन ही जाएगा ना, अच्छा कर ही देते हैं फिर देंगे प्रैक्टिस, चिंता नहीं करो पैसेंस करना बहुत बनेगा, ये होगा नहीं, ये 22 का नहीं 22 था, 1×10 से 1×10 कट गया, मिटा रहा हूँ मैं इसको, चलो मैं एक हिंट कर देता हूँ सुनो, हिंट क्या यानी सॉल्व भी हो जाएगा, वह थोड़ा आसान क्वेश्चन है, चलो सुनो क्या बोल रहा है, बोला ए बी से कंबाइन करता है, ए बी से, बट ए का कितना मोल देखो, ए का कितना मोल देखो ना, ए का कितना मोल, ए का कितना मोल, अब बी का कितना मोल, ए का 2 मोल है, ए का बी का 3 मोल है, बी इफ 3 मोल ऑफ बी ए का 2 मोल कंबाइंड होकर एक्स बनाता है, अब ई जो बनेगा ना एक्स बनेगा, सुनो एक्स कैसे बनेगा, सुनो एक्स क्यूब बना गया, ए का ए टू बन जाएगा, ये ए टू हो जाएगा, क्या एक्स बोलो खाली एक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया ऐसा छोड़ो, एक्स बन गया, अभी एक्स का कितना मोल है अभी यहाँ पे, एक के मोल है ना, सुनो सुनो क्या बोल रहा हूँ, सुनो सुनो ना पहले, इसका 2 मोल इसका 3 मोल मिल करके इसका 1 मोल बनाता है, कौन सा 1 मोल कैसे, क्या एक्स के बारे में बोल रहा है, सिर्फ एक्स बोल रहा है, ये 1 मोल ही बोलेंगे, तो 1 मोल ऑफ एक्स बनाने के लिए हमको 2 मोल ए चाहिए 3 मोल बी चाहिए, अब बताओ ए का कितना अमाउंट दिया हो, वेट देखो वेट देखो 75 एटॉमिक वेट का कोई यूनिट नहीं दिया हो, 75 तो ना ग्राम पे जाओगे ना, तो 150 ग्राम कितना ग्राम, इसका बताओ बी का कितना है, 32 दिया 96, तो 1 मोल को कितना चाहिए, 1 मोल को 1 मोल एक्स को, 1 मोल एक्स का मास कितना, मोलर मास हो जाएगा, जोड़ो जोड़ो ना 244 46 आ गया इतना, 1 मोल एक्स बनाने के लिए कितना चाहिए, 246 ग्राम, अब कितना मोल पूछ रहा है क्वेश्चन में, 5 मोल, तो 5 मोल से गुना कर दो, 246 का आधा कर दो 24 12 बोलो कितना हो जाएगा, 123 हाँ 1230 इतना ग्राम आया, केजी में बदलना क्या करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है तो 1200 ये नहीं करना, ऐसा खुश हो जाना, वाह 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 वाह
खुश हो जाना, एएमयू मार देना 1230 ग्राम, बना के भी कितना बच्चा गलती करता है, एएमयू है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट होता है, ग्राम हो जाएगा, ग्राम ग्राम हो जाएगा, ग्राम नहीं, 1000 से भाग कर दो केजी में, 1.23 केजी, खत्म, समझा, ग्राम में आंसर आया, समझे कि नहीं कैसे हुआ, ए का 2 मोल, बी का 3 मोल कंबाइन होकर क्वेश्चन बोल रहा है, अभी वेट दे दिया, मोल पता है तो मास, मास भी पता है, एटॉमिक वेट पता है तो मास निकल जाएगा, है ना, निकाल लो, खत्म करो बात को, हो गया सवाल, सी हो गया इसका आंसर, उसका भी सी, दोनों सबका सी हो गया, चलो आज के लिए रहने दो, दैट्स ऑल, नोट कर लो, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन।